गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है भाई? आपको ठीक ठाक करने के लिए कुछ क्यों ना ऐसी बात करें जिससे आप ठीक ठाक हो जाए, मूड अच्छा नहीं हो, बच्चों ने ज़रा तंग कर दिया है, रात को नींद नहीं पूरी हुई है, हस्बैंड ने कोई दो उल्टी पुल्टी बातें सुना दी हैं, तो किस चीज़ से मूड अच्छा होता है? एक औरत का मूड अच्छा होता है या तो लॉन के जोड़े से या जेवर से, और वो जेवर अगर असल हो यानी सोने का हो या डायमंड हो तो खुशी ना दुबाला हो जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा सा ऐलान है ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले वो ऐलान करना चाहती हूँ कि 13 जुलाई से 17 जुलाई तक यानी थर्सडे से मंडे तक सुबह 11 से रात 10 बजे तक पीसी होटल शालीमार हॉल में द मास पाकिस्तान की एग्जिबिशन होने जा रही है, ज्वेलरी एग्जिबिशन होने जा रही है, जहां आप जाके अपनी मनपसंद ज्वेलरी खरीद सकते हैं। सिर्फ वही नहीं जिनके जेब में भारी पैसे हैं, बल्कि जिनकी जो जोड़ जोड़ के पैसे जो हैं वो अपने बच्चियों के लिए या अपने घर वालों के लिए जेवर इकट्ठा करना चाहते हैं कमेटियाँ डाल डाल के, उनके लिए भी बहुत सारी पैकेजेस हैं। आपको पता है कि कितनी सेल है? अप टू 40% सेल है डायमंड ज्वेलरी पर, और गोल्ड ज्वेलरी के लिए सिर्फ आपको गोल्ड की प्राइस पे करनी है। तो इतना अच्छा मौका है, ये हर कैटेगरी, हर क्लास, जितने भी पैसे आपकी जेब में हैं आप वहाँ जाकर खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ वहाँ मौजूद है। और इस पर बेहतर तबसरा करने के लिए कि ये जो एग्जिबिशन हो रही है पीसी होटल कराची में, शर्मीन हमारे साथ है और वो हमें डिटेल में बताएंगी, बल्कि हम आपको ये खूबसूरत ज्वेलरी सुबह सुबह दिखाएंगे भी। बहुत सारे पीसेस ज़ाहिर है सब तो नहीं आ सकते, सब आपको जाके देखने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की खूबसूरत एग्जिबिशन आज हमारे शो पे भी होगी, जिससे आपका मूड मैं कर दूंगी बहुत अच्छा। तो आइए वेलकम करते हैं शर्मीन अली को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं ना कि शर्मीन ऐसा लगता है पैदा ही डायमंड्स पहनने के लिए हुई है। पता है आज जो कि आप बात कर रही थी कि कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान का मूड इतना अच्छा नहीं चल रहा होता, मेरी शूट चल रही है अभी, मैं ट्रैवल कर आई हूँ, तो काफ़ी थकन है जो अभी तक उतरी नहीं, लेकिन आज सुबह जब मैं उठी हूँ ना, ऑनेस्टली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, मैं यूँ करके बेड से उठी हूँ क्योंकि शौक बहुत है डायमंड ज्वेलरी का। किसको नहीं होता, बहुत शौक है। और जब मैंने ये आज मैं उठी हूँ, मैंने सोचा कि ओ माई गॉड, आई विल गेट टू वेयर इतनी खूबसूरत ज्वेलरी। डमास की जो कलेक्शन है निदा, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, ऑनेस्टली मैंने ऐसी कलेक्शन नहीं देखी यार। वैसे सच्ची बात है, जब मैं भी अपने शो पे इसको एग्जिबिट करती हूँ, जब कुछ पीसेस उसके हम दिखाते हैं पब्लिक को, तो मतलब देख के खुशी होती है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का की एक ब्रांड है जो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से जो है वो कम्पीट कर रही है। रूबी जाहिद और कर्नल जाहिद ने इसे लॉन्च किया और हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नंबर वन ब्रांड दमास। बिल्कुल पाकिस्तान, जैसे कि आपने कहा, आप भी, आपको भी याद होगा जब हम लोग दुबई जाते थे, तो आई रिमेम्बर थोड़े साल पहले कि जब मैं दुबई गई तो मैंने, मुझे कुछ ज्वेलरी खरीदनी थी, तो मैंने वहाँ पे पूछा कि भाई कौन सा अच्छा ज्वेलरी स्टोर है, तो सबने कहा दमास, दमास से बेटर नहीं है। और मैं गई और आई वॉज मेजमराइज, इतनी हसीन ज्वेलरी,
तो 2017 में मैंने जब काम स्टार्ट कर दिया था, हाँ. तो मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं आसिम याठवाना, exactly. जो बहुत बड़े बड़े फैशन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि हम डमास का न्यू स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, तो तुम आना चाहोगे? मैंने कहा वेट अ सेकेंड, डमास पाकिस्तान में? हाँ. तो उन्होंने कहा कि हाँ, डमास पाकिस्तान में, सिर्फ डमास लाहौर में ही है. okay. ये मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि कहीं भी और अगर आप डमास देखें किसी और शहर में पाकिस्तान के, तो वो ओरिजिनल नहीं है. ओरिजिनल जो चेन है डमास की, इट इज़ ओनली इन लाहौर. और कभी कभार उनको कराची वालों पे रहम आ जाता है, बिल्कुल. तो एग्जीबिशन यहाँ पीसी होटल में लगा देते हैं. बिल्कुल, हमारे कराची वालों के लिए दो शोरूम्स हैं डमास के, और जो 13 जुलाई है से लेकर 17 जुलाई तक पीसी होटल शारिमार हॉल में एग्जीबिशन है सुबह 11 से रात 10 तक. सो कराची वाले भी दिल छोटा ना करें, नहीं, क्योंकि दमास यहाँ भी एग्जीबिशन लगा. कराची वालों के लिए बहुत बड़ी ट्रीट है. हाँ. आपने अपने इन्फो में तो बताया इंट्रो में कि अप टू 40% डिस्काउंट है डायमंड ज्वेलरी पर, लेकिन जो गोल्ड ज्वेलरी की बात है ना, जो कि सच्ची बात है. हाँ. जब आप गोल्ड ज्वेलरी लेने जाते हैं तो आपको वेस्टेज जो मेकिंग देनी पड़ती है ना, दिल कटता है, मार देती है. तो इनकी जो सबसे बड़ी ऑफर है इस वक्त, जो कि मैं बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हूँ, वो ये कि आपको सिर्फ गोल्ड की प्राइस देनी है. जो गोल्ड वेट है ना, उसके हिसाब से आपने प्राइस देनी है. ना आपने वेस्टेज देनी है, ना आपने मेकिंग देनी है. इससे बड़ा मेरे ख्याल से इंसेंटिव हो नहीं सकता. और एक और बात कि 5 दिन की ये एग्जीबिशन है, 17 जुलाई को राफल ड्रॉ होगा. तो जिस हिसाब से आप शॉपिंग करेंगे, उस हिसाब से आपके चांसेस हैं कि आप कोई और भी गिफ्ट जीत लें, इनामात होंगे. बिल्कुल, बिल्कुल. अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताती चलूं कि दमास जो है वो बजट ज्वेलरी भी फरहम करता है. आप 50,000 में डायमंड और बहुत सारी ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकते हैं. कोई कुछ मतलब दिमाग नहीं मानता करता है? नहीं मानता, लेकिन ऐसा है. लेकिन अगर आप अभी उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके हाँ. देखें तो एवरी वीक वो अपने ये जो बजट पीसेस है ना, हाँ. जो कि मुझे लगता है ऑनेस्टली जो बच्चे हैं ना, टीनेज बच्चे हैं, जो अपनी पॉकेट मनी सेव कर रही होती हैं, उनको भी शौक होता है कि छोटे छोटे ट्रिंकेट्स खरीदें. फिर शो मारती है अपनी अम्मा, क्या देखिए जो आपने पॉकेट मनी दी थी उससे जमा करके मैंने ये बना लिया. बिल्कुल. या फिर बेगमात जो है कमेटी खुलती है उनकी, यार अगर छोटी 50,000 की कमेटी भी ली है आराम से, तो वो अपना शौक पूरा करिए और जाके दमास से डायमंड शॉपिंग कर रही है. और सिर्फ डायमंड ही नहीं, बहुत खूबसूरत पीसेस होते हैं. इनकी क्राफ्टमैनशिप इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मैंने ऐसी क्राफ्टमैनशिप नहीं देखी. तो इसलिए आई थिंक कि अब इट्स अबाउट टाइम कि सब अपनी सेविंग जो है ना, छोटी छोटी सेविंग भी है, वो निकालें. हाँ. और अपना शौक पूरा करें, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी हर कोई ले सकता है. मैंने तो शर्मीन अब ऐसा नहीं करते हम कि हम जो है वो खाली बातें कर करके ही ऑडियंस का दिल ललचा रहे. क्यों ना हम उनको कुछ पीसेस दमास के अपने शो पे दिखाएं. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर ये सजे धरे आपको डायमंड्स में नजर आएंगे. तो आज की सुबह चकाचौंध करने के लिए आ गए हैं हम. एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सुबह सुबह आपकी आंखें चुंदियाने के लिए आ गए हैं हम. और बताते चलें कि जो हम आपको पूरी आज नुमाइश पूरी है सुबह सुबह खूबसूरत जेवर की, ये आप खुद जाके भी, अगर आप कराची में रहते हैं, लाहौर वाले तो शोरूम्स पे जाके देखते ही रहते हैं, लेकिन कराची वाले भी इससे महजूज हो सकते हैं. 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक पीसी होटल कराची शालीमार हॉल सुबह 11 से रात 10 बजे तक आप इस एग्जीबिशन का हिस्सा बन सकते हैं. डायमंड ज्वेलरी अप टू 40% डिस्काउंट सेल, एंड गोल्ड ज्वेलरी पर सिर्फ आपको गोल्ड के पैसे पे करने पड़ेंगे. वाओ, जबरदस्त. तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको खूबसूरत दमास के पीसेस. यस, स्टार्ट.
अरमीन, ऐसा लग रहा है आप दमास पहनने के लिए ही पैदा हुई हैं। I honestly don't mind. माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत कलेक्शन है और हर दफ़ा जब दमास आता है हमारे पास एक अलग किस्म की कलेक्शन होती है उनके पास और मैं हमेशा इंस्पायर हो जाती हूँ और मैं खुश होती हूँ कि देखो भाई, गोल्ड भी है, डायमंड भी है, लेकिन बड़ी बहुत ही क्लासी और बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी है और बहुत ही एक्सक्लूसिव कलेक्शन है। हाँ, मतलब मैंने हर जगह नहीं देखे इस तरह के डिज़ाइन मेरे, जब भी, क्योंकि यू नो मेरी फैमिली बहुत सी बाहर भी रहती है, जब भी कोई पाकिस्तान आते हैं और उनको ज्वेलरी ख़रीदनी होती है मैं सबसे पहले दमास लेके जाती हूँ, क्योंकि उनके पास गोल्ड ज्वेलरी है, प्लेन गोल्ड है, पोल की ज्वेलरी है, ब्यूटिफुल डायमंड ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, आप जो भी सोच सकते हैं वो कलेक्शन दमास पे होती है। और जैसा कि आपने कहा कि लग रहा है कि मैं पैदा ही हुई हूँ दमास पहनने के लिए, ऑनेस्टली निदा, जब 2017 में इन्होंने मुझे कॉल किया और इन्होंने मुझसे पूछा कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी, मैंने कहा पूछने की भी क्या ज़रूरत है, जस्ट यू नो जस्ट लेट्स मेक इट हैपन। और इनकी बेस्ट बात यह है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर जनरेशन, हर एज, हर पर्सनैलिटी को ये केटर करते हैं। देखो ना, हर तरह के सेट्स हमें नज़र आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि थोड़े से नस्तलीक, बिल्कुल एक उसके साथ जो स्ट्रिंग के साथ भी सेट्स हैं, बिल्कुल हैवी सेट्स भी हैं, लाइक योर सेट आपका डबल वो है और वो एक ब्राइड के लिए खूबसूरत, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जब ब्राइड जो है वो डायमंड ज्वेलरी पहन रही होती है तो वो बड़ा एक पतला सा स्ट्रिंग होता है, तो सास ने भी वही पहना हुआ है, तो नंदे भी वही पहना हुआ है, अरे भाई दुल्हन है तो दुल्हन को थोड़ा अलग दिखना चाहिए, होना चाहिए थोड़ा शर्मीन टाइप होना चाहिए ना सेट। आई नो, सो बहुत अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं। और अगर आप जाके देखें, हमने तो आपको कुछ चीजें यहाँ दिखाई हैं, लेकिन अगर आप खुद अपनी आंखों से जाके दमास की कलेक्शन को देखना चाहते हैं तो आपके शहर में 13 July से 17 July तक PC होटल शालीमार हॉल में सुबह 11 से रात 10 बजे तक आपको ये मौका फराहम किया जा रहा है कि जाइए, आप जाके ज्वेलरी खरीदें। कम पैसे हैं तो कम बजट की ज्वेलरी भी मौजूद है और अगर ज़्यादा हैं तो फिर मतलब तो स्काई इज़ द लिमिट। और साथ साथ मज़े की बात ये कि जितनी ज्वेलरी की शॉपिंग होगी उतना टाइम, उतना मौका आपको मिलेगा कुरानदाजी, जो आखिरी ग्रैंड फिनाले आखिरी वाले दिन यानी 17 जुलाई को होगी, उसमें आपको बहुत सारे इनामात जीतने का मौका फराहम होगा। एक और बात नेता मैं जाने से पहले ऐड कर दूं, जो ब्राइड्स टू बी हैं जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए एक और बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि दमास में 8 से 10 तोले के अंदर अंदर भी आपको एक बहुत खूबसूरत सेट मिल जाता है जो कि आपके बजट को भी ध्यान में रखेगा और आपकी लुक बहुत हसीन आएगी। तो इसलिए वो जो एक लोग सोचते हैं ना कि दमास हम कहाँ से अफोर्ड कर सकें, सो दमास अपने हर पाकिस्तानी को केटर कर रहा है, जिसकी जेब में कम पैसे हैं, कम बजट है, वो भी जाए एग्जीबिशन में और उसका हिस्सा बने और खुद हैरान होके ज्वेलरी खरीद के लाए कि वाओ, मतलब मेरा रक्षे में यहाँ आना जाया नहीं हुआ। बिल्कुल यही बात कि मैं दोबारा इसको रीइन्फोर्स करूंगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या बजट है, कम बजट भी है तो एग्जीबिशन पे जरूर जाएं जो 13 July से 17 July कराची PC होटल में, क्योंकि कुछ भी कुछ आपका जो भी बजट हो मिलेगा जरूर आपको और आपकी पसंद की चीज बहुत खूबसूरत चीज मिलेगी। तो आप अगर हम ज्वेलरी को जरा एक दोबारा सीख, इसको तो द्वितीय दफा देखें दिल ही नहीं भरता, क्यों भाई, सुबह सुबह नाश्ते की आज आपको जरूरत ही नहीं, छोड़ें नाश्ता कर रहे ही ना, क्योंकि मैंने आपको नाश्ता करवा दिया है, लेकिन ना क्या खूबसूरत पीसेज हैं और जिनको स्टोन्स का शौक है डायमंड के साथ कलर भी ऐड हुआ है, एमरल्ड है, उफ अगर यहाँ रूबी होती खुद उनको तो इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन आती है। जाहिर है कि एक शख्स, वो कहते हैं ना कि मतलब उनका उड़ना बिछोना ज्वेलरी, ऑफ कोर्स, सो वो इतनी अच्छी से एक्सप्लेन करती हैं, आई डोंट नो हम वैसे एक्सप्लेन कर पाए या नहीं, लेकिन हम एक व्यूअर की तरह महसूस हो रहे हैं दमास कलेक्शन देख के। आगे बढ़ते हैं तो हम दिखाते हैं आपको कि अलग अलग डिज़ाइंस को किस तरह एक साथ अंडर वन रूफ इकट्ठा किया हुआ है और कितना खूबसूरत एलिगेंट लुक दे रहा है। कोई भी ऐसी, वो मुझे चीप लुक किसी भी ज्वेलरी में नहीं आ रही, एक बड़ा एक खूबसूरत डिज़ाइनिंग है साथ। और ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये रूबीज़ के साथ है, डायमंड्स और रूबीज़ की कलेक्शन है। अक्सर ब्राइड्स जो हैं वो ये सोचती हैं कि लाइक हम कलर भी हो डायमंड के साथ तो उनके लिए ये, और जिनको कलर नहीं चाहिए उनके लिए प्लेन डायमंड भी है।
तो जी अब वो हम गोल्ड ज्वेलरी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा शर्मीन की एक और क्लोज लुक, मैं तो बस शर्मीन को देखे ही जा रही हूँ। शर्मीन आज नज़र उतार लीजिएगा आप। शर्मीन खुद भी आई कैन नॉट स्टॉप लुकिंग एट माशाल्लाह, बट इट्स नॉट, मैं अपने आप को नहीं देख रही, मैं ज्वेलरी को देख रही हूँ। इतनी हसीन ज्वेलरी, और निदा अगर आप नोट करें तो इसको देख के लगता है दूर से जैसे कि सॉलिटेयर्स हैं ये सारे, दे लुक लाइक बिग स्टोन एग्जैक्टली, लेकिन है ये इल्यूजन सेटिंग जो कि इतनी खूबसूरती से हुई हुई है कि ये देखने में लगता है कि जैसे बड़े डायमंड्स हैं, तो ये और ज्यादा रिच लुक और एक्सपेंसिव लुक देती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतना बजट में जो हमें जमात से चीजें मिल जाती हैं, इट इज बिकॉज कि इनकी क्राफ्टमैनशिप इतनी एग्जेम्पलरी। अच्छा, और इसकी रीसेल वैल्यू भी जो मैं रिसर्च करी थी तो वो रीसेल वैल्यू भी बड़ी अच्छी है। बिल्कुल, डायमंड की पूरी दुनिया में रीसेल वैल्यू स्ट्रांग है, और अगर आप पूरी दुनिया में देखें ना तो 500 से लाइक 500 प्लस शोरूम्स है दमास में, बिल्कुल पूरी इंटरनेशनली, और सर्टिफाइड डायमंड्स हैं, ऑथेंटिक गोल्ड अवेलेबल है, तो क्रेडिबिलिटी एक वो आपको तो मतलब एक सोच दिमाग भी नहीं जाता ना कि हाँ ये पता नहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं कि नहीं, जो एक नाम है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, सर्टिफाइड डायमंड्स है, और साथ सर्टिफिकेट देते हैं वो जिस डायमंड जो क्वालिटी यूज हुई भी होती है, सिर्फ माउथ वर्ड ऑफ माउथ या फिर वर्बली नहीं आपको वो बताते, दे इशू यू अ सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिटी ऑफ डायमंड्स जो यूज हुए, और गोल्ड पूरा प्योर गोल्ड यूज करते हैं, मिक्सिंग नहीं करते। और अब हम गोल्ड के सेट्स दिखाते हैं। सो वो होता है ना, मुझे कभी कभार होता है, मैं खुद जब जाती हूँ किसी गोल्ड ज्वेलरी के शोरूम पे तो मैं कहती हूँ अल्लाह पता नहीं क्या ये वो, मुझे नहीं गोल्ड अट्रैक्ट कर रहा होता, लेकिन दमास का गोल्ड जिस तरह मैन्युफैक्चर होता है, जिस तरह डिजाइन होता है, दिल जाता है कि इसको देखते रहें। जिस तरह आप ये देखें कि मतलब लाइक अंगूठियाँ हैं, बैंगल्स हैं, माथा पट्टी है, नथ है, एक एक चीज जो है वो आपको लाइक होता है ना, कभी कभार आपको गोल्ड देख के होता है ओहो बहुत ही बहुत ज्यादा ओवर गोल्डन है, बहुत फ्लैशी है। हम लोगों को थोड़ा एलिगेंट पसंद था, पाकिस्तानियों को ना गोल्ड का रंग थोड़ा एलिगेंट पसंद है, और उसका सारा ख्याल रखा गया है दमास ने कि हमारे पाकिस्तानियों को क्या पसंद है, क्योंकि देखिए ना सारे हमारे टेस्ट के हिसाब से अगर आगे बढ़ें, दूसरी पे भी चले जाएं कैमरामैन, उनको इतना अच्छी लग गई है यही वाला सेट, इसी को घुमाए जा रहे हैं। ये देखें कड़े हों या रिंग्स हों, पूरा पूरा सेट आपको कॉम्बिनेशंस भी मिल रहे हैं, आप अलग अलग भी सब चीज़ें ले सकते हैं। ये जो अभी आपको सेट दिखाया गया है ये 10 तोले का सेट है, 8 तोले का हार है ये, और 5 तोले के बैंगल्स हैं। सो आप देख सकते हैं सारा ना, मुझे तोला वोला इतना, लेकिन जितना आप बता रही हैं 10 तोला और 8 तोला, उसकी प्राइस बहुत अच्छी अंडर बजट होगी, लेकिन आप ये देखें कि इसका फैलावा कितना है और इसका जचाव मेकिंग की तो है सारी एग्जैक्टली, जो एक दिल चुरा रही है। अब ये पोलकी का सेट आप देख रहे हैं, ये मैम ये तो बड़ा सेट है ना, लेकिन ये 3 तोले तक में भी अवेलेबल है, और पता नहीं पोलकी सेट पहन के ऐसा दुल्हन वाला फील आता है, ऐसा ब्राइडल फील मुझे तो फील आता है, क्वींस वाला, क्वीन रॉयल है ना, एग्जैक्टली अपने आप को ऐश्वर्या राय समझने लगते हैं। ये जो पोलकी का जो माला है इस पे तो मेरा दिल आ गया है ना, आई थिंक मेरा जो पता है, इससे कम बजट के भी सेट्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पीसी होटल कराची शालीमार हॉल, 13 जुलाई टिल 17 जुलाई, सुबह 11 से 10 तक आप एग्जीबिशन से महसूस हो सकते हैं। अरे पैसे नहीं है जेब में तो जाइए, जाके विजिट ही कर लीजिए, अभी नहीं है ना, बाद में हो सकते हैं, लेकिन आप जाके खुद देखेंगे और फिर आप इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, क्योंकि जब जाएंगे तो दिल ललचाएगा और पता चलेगा कि ये किस तरह का काम है, किस तरह की ज्वेलरी है। और ये अप टू 40% जो सेल है वो डायमंड ज्वेलरी पर एंड गोल्ड की सिर्फ आपसे कीमत वसूल की जाएगी। सो बहुत सारी गोल्ड में मेकिंग भी होती है और वेस्टेज भी होती है, और मेकिंग उससे आपका कोई लेना देना, काफी प्राइस बढ़ जाती है इन दोनों चीजों से ज्वेलरी की। बिल्कुल। सो ये खूबसूरत सुबह हमने शुरुआत इस तरह की अपनी सुबह की, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और मजे की बात ये, आप गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग या डायमंड ज्वेलरी की शॉपिंग करेंगे तो आपका नाम ऑटोमेटिकली 17 जुलाई को होने वाली कुरान दाजी में शामिल हो जाएगा, एंड आप ढेरों इनाम जीत पाएंगे। थैंक यू सो मच शर्मीन, थैंक यू। हमारी सुबह मतलब लाइक
यार सुबह सुबह अच्छे चेहरे, अच्छी ज्वेलरी, अच्छे कपड़े नजर आए. आई नो, वैसे दिन अच्छा. लेकिन इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक रूबी आंटी ऑल्सो, जो कि डमास ओन करती हैं, कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि मैं ये मौका कभी हाथ से जाने नहीं देती व्हेन इट कम्स टू डमास एंड द ज्वेलरी, कि ये मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू है. वेरी नाइस. सो फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद आज हम आपको मिलवाने वाले हैं राइजिंग स्टार से, जिनको आप ड्रामों में देख रहे हैं. आप कह रहे हैं अरे ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, इसको तो बड़ा अच्छा काम आता है, हाय ये तो लड़की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी टैलेंटेड है, ये कहाँ से आ गई. सो ये जो कहाँ से आ गई का लफ्ज है ना, ये आज हम मसला हल, ये मौमा हल करने वाले हैं. एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको मिलवाते हैं बहुत ही प्यारे राइजिंग स्टार से. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी. तो मैं अब आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ राइजिंग स्टार्स से, और मुझे बड़ी खुशी होती देखकर जब नए चेहरे स्क्रीन पर नज़र आते तो एक फ्रेशनेस का एहसास होता है, और फिर उन सब चेहरों में से हम सेलेक्ट करते हैं कि ये वाला जो लड़का है ना, ये बड़ा आगे जाएगा. ये देखो इसके अंदर वो जर्म्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर वो स्पार्क है जिसकी आवाम को ज़रूरत है. सो वो फ्रेशनेस हमें ऑन स्क्रीन पता चल जाती है, और आवाम बड़ी समझदार है, वो भांप लेती है कि ये जो टैलेंट है ये कितनी आगे तक जाएगा. सो इस वक्त मेरे पास जो राइजिंग स्टार मौजूद है, मैंने खुद उनका ड्रामा देखा तो मुझे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी लगी, और मैंने सोचा कि वाओ ये इन्होंने पता नहीं कहाँ से सीखी होगी, ये इन्होंने कोई कोर्स किया होगा. लेकिन आजकल के जो नौजवान नस्ल है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, और वो शुरू के ड्रामों में ही आते इतना नेचुरली परफॉर्म करते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं. वरना जब हमारे ज़माने की बात थी तो हम लोगों को एक दो चार ड्रामों के बाद थोड़ा समझ आता था कि अच्छा कैमरा एंगल और एक्टिंग क्या है. लेकिन माशाल्लाह मुझे खुशी हो रही है कि पढ़े लिखे नौजवान भी अपनी डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद इस फील्ड को चूज़ करें, एंड वी आर थैंकफुल टू देम, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आएंगे तो ये फील्ड और बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी. तो मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारे से मैं तो यही कहूँगी कि वो बहुत ही सूरत एक्टर हैं, फ्रेशनेस भी है, यंग भी हैं, और बातें करने में भी बड़े बुर्दबार हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं. इनका नाम है जी खाकान शाहनवाज. इनको आपने अभी सिर्फ 3 ड्रामों में देखा है, बारवा खिलाड़ी, बेपनाह, यूं ही, और उससे पहले आप इनको कंटेंट क्रिएट करते हुए सोशल मीडिया पर देख चुके हैं. सो आइए वेलकम करते हैं खाकान शाहनवाज. आपने तो बहुत ज्यादा तारीफों के पुल बांध दिए. नहीं नहीं, मैंने आपका असल में काम देखा तो मैंने उसी वक्त मैंने कहा था ओ वाओ ये तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, यूं ही देखा था मैंने. जी जी जी, आई थिंक वी मेट द फर्स्ट टाइम वी मेट यू टोल्ड मी. यस यस, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. तो भाई मैंने तो आपकी जर्नी के बारे में पूछना है, क्योंकि सब कहते ना कि अरे ये बड़ा अच्छा लड़का, ये कहाँ से आया, इसको तो हमने पहले देखा नहीं. और कभी कभार होता है कि कोई नया आने वाला अपना एक मार्क छोड़ देता है, तो आपका शुमार उन न्यूकमर्स में है. कितना अरसा हो गया? मुझे एक्टिंग करते हुए अभी 2.5 साल हुए हैं. अच्छा, 2.5 साल. या और एक्टिंग से पहले क्या करता था खाकान, क्या ड्रीम्स थे, क्या सोचा हुआ था? जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनूंगा. फिर जब शौक नहीं चेंज होते, फिर जब आप पहुंचते हो ना, जब आप पढ़ते हो, तो ए लेवल में मुझे समझ आ गई कि साइंस तो बहुत मुश्किल है. तो फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता. साइंस है भी बहुत मुश्किल. ए लेवल साइंस इज वेरी डिफिकल्ट, एंड आई रियलाइज्ड इट वेरी लेटर ऑन के दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. फिर उसके बाद फील्ड नहीं, मैंने अपनी कहते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ा चेंज कर दिया. मेरी जर्नी थोड़ी चेंज हो गई. आई स्टार्टेड स्टडीइंग लॉ. उसके बाद मुझे समझ आना शुरू हो गई थी कि हाँ मे बी ये शायद नहीं हो सकेगा. तो बट फिर मैंने पढ़ना तो था, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो पढ़ लेते हैं. हमारी पढ़ाई ना इस तरह ही हुई है कि अच्छा आप पढ़ो पढ़ो, चलो अभी पेपर है, चलो यार किताबें खोलो. ये वाली पढ़ाई है इसी तरह कि पढ़ना है. घर वाले भी कह रहे हैं पढ़ना है पढ़ना है, बट कोई ऐसा शौक
नहीं है ऐसा नहीं बट पढ़ लिया वो किसी चीज का एक शौक और जुनून होता है वो था खाकान वो मुझे था ये टीवी और पब्लिक अपीयरेंसेस और कोई घर में है कोई आसपास खानदान वगैरह में कोई था क्या नहीं दूर दूर तक नहीं 100 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी नहीं है तो अब्बू किस फील्ड में है मेरे अब्बू जो है वो बिजनेस करता है और अम्मा बहन भाई अम्मा हाउसवाइफ है हाउसवाइफ है और बहन भाई वगैरह कोई दूर दूर तक इस फील्ड में नहीं मेरे दोनों भाई भी जो है वो मेरा एक भाई बिजनेस करता है और उससे जो छोटा भाई है वो भी बिजनेस करता है जब खाकान ने ये अनाउंस किया घर में कि मैं तो शो बिजनेस में जा रहा हूँ तो सबका क्या रिएक्शन था मैंने अनाउंस नहीं किया था इस तरह नहीं था कि हमने फैसला कर दिया ये तो नहीं हो सकता मैंने बस ये कहा था कि मुझे लॉ प्रैक्टिस नहीं करना मैं एक डेढ़ महीने से प्रैक्टिस कर रहा था एक जगह जब लॉ तुमने चेंज किया तो घर वालों ने कुछ बोला होते ना कि ये क्या करो अभी तो तुम्हें साइंस पढ़नी थी अब तुम लॉ की तरफ आ रहे हो मां-बाप बोलते हैं या मेरे आई थिंक वन ऑफ माय टीचर्स एक टीचर ने ना मेरे अब्बू या मेरी अम्मी किसी को बोला था कि आपके बच्चे में एक मसला है उन्होंने कहा क्या मसला उन्होंने कहा ही थिंक्स ही इज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इसे लगता है ये हर काम कर सकता है तो इसका ये इसलिए ये ना कुछ नहीं कर पाएगा तो उस टीचर को मैं कहना चाहूंगा कि मैं कर रहा हूं आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स भाई अच्छा खासा बच्चा कमा रहा है कमा के घर में देते हो कि नहीं देते क्या कमा के घर में देते हो कि नहीं देता हूं बट उनको जरूरत नहीं है शुक्र है खैर अम्मा को अगर सोने की चूड़ियां गिफ्ट कर दोगे तो क्या ही बात हो अच्छा तो वो उस सर को पता चल जाएगा अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या सो या तो माय पेरेंट्स आल्सो लाइक केप्ट सेइंग वो कहते रहते थे कि एक काम किया करो एक पे ध्यान दो अभी तुमने लॉ क्यों छोड़ना है लॉ छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे तो आई वाज लाइक आई विल फिगर इट आउट क्या होता है लड़कों को अपने आप को खुद ढूंढना पड़ता है कि हमें करना क्या है उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता लड़कों को नहीं आई थिंक लड़कियों को भी दोनों को आई थिंक व्हेन यू आर ग्रोइंग अप जब आप बड़े हो रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता कि क्या करना है मतलब कभी कभार लगता है कि हमें ये करना है और फिर जब हम उसमें डेप्थ में जाते हैं तो हमें लगता है हमें तो ये करना ही बड़े रेयर सीन होता है कि सबको पता हो कि दिस इज व्हाट आई वांट ये करना है ज़िंदगी में शोबिज़ में आने के लिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए बड़ा एक आके महफिल में सबको अपनी तरफ अट्रैक्शन वाला इंसान वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए तो आपकी थी हमेशा से या या आई वाज अ चार्मर प्लीजर क्लास क्लाउन जो स्कूल के अंदर जो है मैं वो नहीं होता बच्चा जो बस हंसाता है सबको क्लास में क्लास को डिस्टर्ब करने वाला आई वाज फेमसली नेम्ड द क्लास क्लाउन मेरी एक हमारा जब मैं लॉ पढ़ा था तो 120 बच्चे का हमारा लेक्चर हॉल था उसमें एक टीचर ने पॉइंट आउट करके कहा था खाकान शाहनवाज यू आर अ क्लाउन नहीं यू आर अ जोकर साइलेंस पॉज अ क्लास क्लाउन और बस फिर सारे बच्चे हंसना शुरू हो गए मैं अब क्या अब उनको पता चल गया होगा तो ड्रामों में भी इसी तरह मस्ती कर रहे हो हाँ अभी सो फार अभी जो आगे ड्रामे आ रहे हैं उनमें मस्ती नहीं कर रहा उनमें जरा ब्रोकन कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ यही मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि ये तो तुम्हारी जिंदगी से करीब कैरेक्टर्स है सारे लाइवली मस्ती मजाक लेकिन जो सॉलिड एक्टिंग इमोशनल वो अभी आने वाले हैं कर रहा हूँ अभी आंसू आ जाते हैं आंख में कोई टेंशन तो नहीं होती नहीं नहीं अभी तो बहुत ब्रोकन मैं दो बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स अभी प्ले कर रहा हूँ एक के अंदर मैं फुल एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है मेरे कैरेक्टर के साथ और वो बस उसकी जिंदगी जो है वो उल्टी पुल्टी सी हो गई है और बस वो ब्रोकन सा कैरेक्टर है और दूसरी तरफ एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो कि लोगों की जिंदगियां अपने इर्द गिर्द तोड़ रहा है अच्छा बिकॉज ही इज थोड़ा विलेनिश कैरेक्टर या सो मैं दोनों कर रहा हूँ एक ट्रेजेडी ज्यादा किस तरह के कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे हैं मतलब तुम्हारी फिजिक तुम्हारी शक्ल कलर आंखों का कलर देखकर होते हैं ना ये सारी फिजिकल अपीयरेंसेस अभी तक तो मुझे हर तरह के कैरेक्टर्स ऑफर हो रहे हैं अच्छा I'm asked to play Pathan characters. I'm asked to play. आप हो वैसे पठान क्योंकि शक्ल से अपीयरेंस पठान आ खोल के देखो विचो पंजाबी निकलेगा शक्लो पठान लगना पर नहीं नहीं मैं पंजाबी हूँ पूरा जट हूँ मैं अच्छा या और आप कहाँ मुकीम हो इस्लामाबाद में के लाहौर में नहीं नहीं मैं सियालकोट का हूँ अच्छा और मगर मैं ए लेवल के टाइम से लेके कराची आने से पहले तक लाहौर में ही रहा हूँ अभी आप कराची में सेटल्ड हो जी जी और फैमिली लाहौर में नहीं फैमिली सियालकोट सियालकोट में अरे वाह भाई जबरदस्त सियालकोट की तो पूरे स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है पूरी दुनिया में मशहूर है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पूरी दुनिया में बिल्कुल
बिल्कुल तो अकेले कराची में रहने। और अब तो लड़के भी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। हां शोएब मलिक भी उधर के ही है ना शायद। शोएब मलिक भी वहीं के हैं, उन वो भी काफी फेमस हैं। हां जस्ट किडिंग। शोएब भाई, आई हैव मेट शोएब भाई 3 टाइम्स। ये लड़का जो मेरे सामने बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये अपना फेवरेट है। मैं अपना फेवरेट हूं। तुम शीशे में देख के कितनी दफा बोलते हो मैं अपना फेवरेट हूं? बोलता नहीं हूं मैं, सोच लेता हूं। बोल के अजीब लगेगा ना, तो सोच लेता हूं कि सही। अच्छा वैसे ये सच्ची बात है, जैसे लड़के शोबिज में आते हैं तो अम्माएं थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, तो अम्माएं रिश्ता तो नहीं देखना शुरू कर दिया अभी से? नहीं रिश्ता नहीं देखना शुरू कर दिया, या फिर ऐसे ही ना, मतलब लाइक समझाना, नसीहतें करना, ख्याल रखना, जिस तरह होता ना हमारी देसी फैमिलीज है ना, तो देसी फैमिलीज में ऐसे नहीं होता कि आप घर तो नहीं बताते हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है या ये मेरा ये है या ये मेरा ये है, इस तरह नहीं आप बताते घरों में। तो मेरी अम्मा जो है ना, वो उन्होंने मुझे एक दिन पूछ लिया कि उन्होंने बोला कि तू मैनू कदे दस्या क्यों नहीं, तेरी कोई कुड़ी नाल कोई सेटिंग नहीं? मैंने कहा नहीं, तो फिर व्याह किंज करना है पंजाबी में ना, इस तरह के व्याह किंज करना, मैं फिर लब्बा तेरे लिए कोई? तो मैंने कहा नहीं, अभी आई एम फोकस्ड ऑन माय करियर, बिकॉज मुझे आई पर्सनली फील के आपका फोकस जो है ना, वो ड्राइव थोड़ी सी कम हो जाती है। कंपैरेटिवली इट्स वेरी डिफरेंट, आई हैव सीन मैरिड पीपल एंड सिंगल पीपल, देयर ड्राइव्स आर डिफरेंट। मुझे लगता है कि मैरिज इज मैच्योरिटी। कोई मैरिड होता है ना ज्यादा, तो उसको ड्राइव ज्यादा मिल रही होती है। हां ये भी लोग कहते हैं मुझे, सपोर्ट कर रही होती है। वो फिर उन्हें होता है ना कि बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं, पर मुझे ये है कि जो ड्राइव होती है ना अपने लिए, मुझे अपने लिए ये करना है, वो डिफरेंट होती है। क्या किसको नहीं पैसे कमाने का? किसको नहीं है? कुछ कुछ लोगों को नहीं होता, वो कहते हैं बस हमें अच्छा काम करना, बड़े कम होते हैं और झूठ बोल रहे होते हैं। झूठ बोल रहे होते हैं। पैसे कमाने का ख्वाहिश क्या है कि मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाए ना, तो बस मैंने ये खरीदना है, फिर मैंने ये करना है, लिस्ट होती है ना एक ख्वाहिश। नहीं मेरी लिस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया है कि जितने भी हो ना कम है। हाँ। जितने भी हो, अगर इफ यू गिव मी $1,000,000, आई'd वांट $1,000,000,000। हाँ। And if I, अगर मेरे पास $1,000,000,000 हो, तो मैं चाहूंगा मेरे पास multi-billion-dollar empire, ओए, ओए, ओए। मेरे पास आइलैंड हो, सच्चा सच्ची बातें कर रहा है बच्चा। मतलब मेरे पास अगर प्राइवेट जेट है, तो मेरे पास बेहतर वाला प्राइवेट जेट क्यों नहीं? There's always more money to acquire। तो नहीं मेरी इस तरह की मैंने ख्वाहिशात या लिस्ट नहीं बनाई है। तुम्हारे शुमार किन लड़कों में होता है, उड़ाने वाले या जमा करके रखने वाले? उड़ाने वाले। हाय हाय, मेरे घर वालों को कैसे होंगे बिलियनर, कैसे बनोगे? क्या? नहीं मैंने नहीं बोला मुझे बनना है बिलियनर, आई डोंट वांट टू बी अ बिलियनर। बट आई वुड से के पीपल हु से के वो हमें पैसे नहीं चाहिए, वो झूठ बोल रहे हैं। पैसे सबको चाहिए। सो आई थिंक खुशी जिंदगी में वही होती है कि आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करें और आपका लाइफ स्टाइल कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करें। और क्या तुम्हें क्या शौक है? घूमने का शौक है, गाड़ी खरीदने का शौक है, बाइक? या नहीं, अब मुझे बाइक चलानी नहीं आती। नहीं आती? ड्रामों में भी जो चलाई है वो तक्के से नहीं चलाई है क्या? काट काट नहीं यार, क्या कर रहे हो? तो बाइक घर में नहीं चलाने देते ना, अक्सर लोग डरते हैं पेरेंट्स। मुझे हमें अलाउड नहीं था। हाँ हम लोग को भी और डर लगता है बच्चे बाइक ना चलाए। तो मुझे शौक चीजें खरीदने का सच नहीं है। मुझे मेरा शौक वो है कि मेरा सबसे बेस्ट टीवी हो मेरे पास, क्योंकि आई लाइक वाचिंग एंड आई लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स अ लॉट एंड आई लाइक वाचिंग फिल्म्स अ लॉट, टीवी शोज अ लॉट। तो मेरा होता है कि मेरे पैसे जो हैं वो इन्हीं चीजों पे लगते हैं। मुझे गाड़ियों का इतना शौक नहीं है। तो आप जैसे सियालकोट से कराची शिफ्ट हुए हो, खाना पकाना सब कुछ खुद अपना कर रहे हो? तो नहीं नहीं, आई हैव समबडी हु कुक्स है ना कुछ, क्योंकि अम्मा तो लाड में पालती है ना उधर, तो फिर जब अम्मा होती है तो ये भी है। बट हाँ अम्मा तो ऑब्वियसली लाड में पालती, कौन देसी घर है जहाँ पे बच्चे खुद खाना बनाते हैं? आई थिंक देयर इज नो हाउसेस। ये तो ये पाकिस्तान में ही नहीं भाई, बाहर भी दो देसी घर है। वहाँ मुझे खवातीन बता रही है हमारे तो घर में उठ के काम ही नहीं करते लड़के, सारे बेटे हैं, मैं ही उनको खाना निकाल के दे दूँ। मैंने कहा है यहाँ पे भी ये सीन? तो जहाँ माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी पहुंचे हैं, कल्चरल चीज है, सारा बर्डन औरत पे ही है। I wouldn't say that, because mere hisab se if a woman wants to be a caretaker of the house, that shouldn't be demonized. Kuch khawateen ko shauk hota hai to take care of the house. I think my mother personally, she finds happiness, unhe khushi hoti hai jab wo apne let's say bacche ko, aur bhai ho na tum log, behan nahi hai na, behan nahi hai to teen bete hain mashallah se, to ha to mujhe lagta hai ki aisi khawateen bhi hoti hain duniya mein who अम्मी है, अम्मा यही चलो एक पराठा और खा लो।
थोड़ा सा खा लो, क्या डाइट कर रहे हो, वो वाली मत मान। लाइक ऑन द काउंटर साइड जिसको नहीं शौक उसको भी कोई डिमोनाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई खातून काम करना चाहती है, हु वांट्स टू गो आउट, मेक हर नेम, बी सक्सेसफुल, कूडोस। आप दोनों, आई थिंक दोनों चीजों को डिमोनाइज करने की जरूरत नहीं है। खवातीन को माशाल्लाह देखो होना चाहिए, जो भी करना है। जो पंजाबी होते हैं मतलब वो तो खाने पीने के शौकीन होते, तो तुम अपने डाइट का ख्याल रखते हो, क्या तुम्हारा वजन बढ़ता है, क्या तुम जिम करते हो, कैसे फिट रखते हो अपने आप? मैं थोड़ा सा जेनेटिकली गिफ्टेड हूं। अच्छा। क्योंकि मैं जितना भी खाऊं मुझे इतना ज्यादा नहीं लगता। यू लकी पर्सन। या आई एम लकी इन दैट सेंस। माशाल्लाह। आई ईट अ लॉट एंड जब मुझे लेट्स से अगर कोई रोल के लिए थोड़ा सा पतला होना है तो फिर मैं पराठे नहीं खाऊंगा। अच्छा, एंट्री कैसे हुई? क्या कोई स्ट्रगल करनी पड़ी, जुतियां इधर उधर घिसनी पड़ी जाने के लिए? कैसे मौका मिला टीवी पे आने का? आई थिंक अब जो है ना सोशल मीडिया के आने से चेंज ये आया है कि घर बैठे ना आप अपनी चीज, अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो दुनिया। तुम्हारा कंटेंट जो क्रिएट करते थे वो उसमें क्या क्या चीजें होती थी? उसके अंदर स्किट्स होते थे, उसके अंदर बड़ी चीजें होती थी, जैसा एक सिचुएशनल कॉमेडी, सोशल कॉमेडी से रिलेटेड सारी चीजें, कॉमेडी से कॉमेडी एंड आल्सो सोशल कॉमेंट्री, सोशल पॉलिटिकल कॉमेंट्री भी मैं करता था, जिसमें आई वुड से यू नो द थिंग्स आई फाइंड प्रॉब्लमैटिक इन द कंट्री। अब उतना नहीं करता, बट तब मैं करता था। वहां से पिक किया तुम्हें चैनल्स ने अलग प्रोडक्शन? मुझे पिक प्राइमरीली किया गया था माहिरा खान saw a video and she said कि अच्छा ये लड़का बारवां खिलाड़ी में we can utilize this person। okay। तो फिर I got a call और फिर वहाँ से audition हुआ तुम्हारा? मेरा audition हुआ खिलाड़ी के लिए। माहिरा ने खुद लिया था या नहीं? मुझे नहीं, मुझे video call कह रहा हूँ, मुझे video record करके भेजनी पड़ी audition के लिए। yeah। okay। तो Tapmed people को भेजी थी, somebody from Tapmed, I think Faiza was her name। okay। उन्होंने मेरा audition लिया था and I'm sure then Myra and Nina would have seen। तो वहाँ उस project को करने के बाद फिर अलग अलग channel से offer आना शुरू हो गई। हाँ, उस प्रोजेक्ट को करने के बाद मुझे एक ग्रीन एंटरटेनमेंट का प्रोजेक्ट ऑफर हुआ। अच्छा, वो मैंने किया। किस्मत देखें कि वो आज एयर हो रहा है। ओ वाओ, दैट वाज माय फर्स्ट। क्या नाम है उस प्रोजेक्ट? उसका नाम है कॉलेज गेट। अच्छा, हाँ, मैंने देखे उसके प्रोमोस। आज शाम को वो लग रहा है। ओ ग्रेट। तो एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं ना, और फिर और क्या क्या इस लड़के ने सोचा है, मैंने आगे क्या क्या करने, किस किस हीरोइन के साथ मैंने हीरो आना है, क्या मुझे मूछे और दाढ़ी रखनी पड़ेगी माहिरा के साथ आने के लिए, क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें जानने के लिए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम 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 बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आपकी मुलाकात इस वक्त, मैंने आपसे मैंने खाकान शाहनवाज, इतना मुश्किल तुम्हारी अम्मा ना कर, खाकान शाहनवाज से कराई, और अब मैं चल रही हूँ अपनी दूसरी सेलेब्रिटी की तरफ, जिनको आपने देखा है, मैं ख्वाब बुनती हूँ, मैं दिल तन्हा तन्हा ना लायक गुनाह और फरेब में। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। क्या मेरे पास उनके क्लिप हैं और मैं दिखा सकती हूँ? तो ए आर वाई का ड्रामा है तो मैं तुम्हारा तो नहीं दिखा सकती, तो तुमने अभी तक ए आर वाई पे काम नहीं किया, लेकिन ये जो मेरी सेलिब्रिटी है इनका क्लिप मैं दिखाती हूँ और फिर मैं उनको अपने शो पे बुलाऊंगी। दिखाइए जी इनका क्लिप। भी खड़े खड़े उसे तलाक दे देता हूँ। कौन किसको तलाक दे रहे? वो मेरे बचपन का दोस्त है फुरकान, मम्मी जानती हैं उसे, बेचारा बड़ी मुश्किल में। क्यों, क्या हुआ उसे? माँ की पसंद से शादी की थी, बल्कि वो तो शादी करना भी नहीं चाहता था, माँ ने जबरदस्ती करा दी। अब वो ही सास बहू के झगड़े चल रहे हैं, उसकी माँ उसको हर वक्त बहू की शिकायतें करती रहती है। जी तो आइए वेलकम करते हैं मिशेल मुमताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। आपका जोड़ा तो बड़ा प्यारा है। थैंक यू सो मच। और आप खुद भी बड़ी प्यारी हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठिए जी। मिशेल, खाकान के बारे में तो मैंने दुनिया को बता दिया, ये कहाँ से आए, कैसे आए, क्या किया इन्होंने और ड्रामों में आ गए, लेकिन मिशेल के बारे में हम सुनना चाहते कि मिशेल कैसे इस फील्ड में आई, कितना अरसा हो गया मिशेल को, तो प्लीज़ अपने बारे में बताइए।
मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना 2017 में स्टार्ट किया अच्छा। था और मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं इंटर्नशिप कर रही थी, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से था बैंक में कर रही थी तुम इंटर्नशिप बैंक अच्छा थी। और मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे करनी एक्टिंग ही है। ऐसे क्यों, किससे इंस्पिरेशन थी? वही वाली बात है ना हाँ। कि कैसे आप लोगों को पता चल जाता है कि आपको जो करना है वो यही है? क्योंकि हम लोग टीवी ड्रामा थे हाँ। और स्पेशली जब मैं अवार्ड शो देखती थी ना हाँ। और देखती थी कि एक्टर्स को अवार्ड मिल रहे हैं, तो वो मुझे बड़ा वो फैसिनेट करती थी exactly, चीज़। मुझे लगता था कि यार ये मुझे भी करना है हाँ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे लिए लोग क्लैप करें और हाँ। मुझे अवार्ड मिले, और ये चीज एक्टिंग से ही होनी थी। तो कभी तुम्हारी अम्मा तुम्हें घर में होता है ना कभी कभार कह देती तुम तो बनाई एक्ट्रेस हो, एक्टिंग ना करो मेरे सामने आगे, कभी ये वाली चीजें सुनने को मिली है तुम्हें? हाँ, इससे भी बहुत ज्यादा कुछ सुनने को मिला है, क्योंकि मैं थोड़ी सी शरारती थी। मेरे हाँ। तीन भाई हैं, तो हम लोग एक बहन और तीन भाई हैं। चलो तो भाई, हम लोग बहुत शरारते करते थे और मैंने अम्मी से मार भी बहुत खाई है। तो मेरी तो अम्मी कहती थी कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मुझे नहीं लगता तुम लोग लाइफ में कुछ कर भी कुछ करोगे। तो तुम मतलब लाइक तुम बैंक में इंटर्नशिप कर रही थी, फिर तुम्हें कैसे मौका मिला शोबिज में आने का? मेरे ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पे एक न्यूज चैनल था। अच्छा। तो अब मैं जब रोज वहां से गुजरती थी ना, मुझे होता था कि यार कहीं से तो स्टार्ट करना है, चलो मैं जाके देखती हूँ। खबरें पढ़ने चली गई मैं फिर? तो मैं गई ऑडिशन के लिए, उन्होंने कहा आप ऐसा करें 1 वीक के बाद आए प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप पढ़ तो रही हैं। मुझे था कि अच्छा मेरे में कॉन्फिडेंस तो है, कैमरा मैं फेस कर लूंगी। उन्होंने कहा आप न्यूज रीड कर रही हैं, लेकिन आपका लाइक वो उस तरह से नहीं, ऐसे लग रहा है कि आप बुक रीड कर रही हैं, तो आप जाएं प्रैक्टिस करें। तो मैं गई और 1 वीक के बाद मैं दोबारा चली गई ऑडिशन के लिए। अच्छा। उन्होंने फिर मुझे वापस भेजा हाँ। और मैं फिर दोबारा गई। अब मुझे कहीं ना कहीं समझ में आया कि शायद अब मुझे समझ आया कि वो कह रहे थे कि जान छोड़ो, नहीं हो रहा, हमने नहीं रखना है ऐसे। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि वहीं से मुझे लिंक मिला और फिर मैंने मॉडलिंग की। फिर कराची से एक टीम आई हुई थी इस्लामाबाद में। तुम इस्लामाबाद में रहती हो? जी जी, लेकिन अब तो कराची में रहती हूं। आप कराची में? तो इस्लामाबाद, कराची से टीम आई हुई थी इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे उनके सेट पे गई मैं और फिर वहाँ पे ऑडिशन दिया, फिर उसके बाद मैं कराची आ गई। अच्छा, ऑडिशन दिया, ऑडिशन में पास हुई और फिर कराची आई उस ड्रामे में काम करने के लिए। ड्रामे में काम करने के लिए ऐसे तुम्हारी एंट्री हुई? अब वो ड्रामा किसी और चैनल पे चला था या हमारे हम टीवी का था? अच्छा, हम टीवी का था। और फिर साथ में ये दोनों मेरे फर्स्ट फर्स्ट थे। और ये जो आपने अभी दिखाया है, बहुत बुरी एक्टिंग की है मैंने, बिल्कुल फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरा। मैं भी सोच रही थी, मैं पूछूं कि क्या तुम कैसे सीख रही हो, क्या कर रही हो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तो। लेकिन तुम्हें खुद पता है कि भाई ये वाली मैंने अभी मैं सीख रही हूँ, जाहिर है मैं कहीं से कोई कोर्स नहीं किया हाँ। तो अब तुम्हें कौन सिखा रहे? कोई होता है ना, एक कोई गुरु बन जाता है आपका शो बिजनेस में आता है, या कोई सीनियर एक्टर होता है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई असिस्टेंट, कोई भी होता है जो हेल्प करता है आपकी? अभी तक तो मुझे कोई गुरु नहीं मिला, कोई नहीं सिखा रहा, खुद ही सीख रही हूँ। हाँ। खुद ही अपनी प्रोजेक्ट्स देखती हूँ, फिर लोगों के देखती हूँ, जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको देखती हूँ, फिर सीखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैं ऐसे बोलूँ तो ऐसे हो? तुम्हें किसी ने कुछ सिखाया? जरूरत ही नहीं पड़ी। सब सिखाते हैं, आप सिखा रही हैं, मैं क्या सिखा रही हूँ? मैं क्यों सिखा रही हूँ? नहीं, मैं सिर्फ ये कहा फोन रख दो। नहीं, अगर मुझे कभी कैरेक्टर प्ले करना पड़ा एक मॉर्निंग शो होस्ट का, तो आई विल हैव यू इन माय माइंड। हर कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है। The producers playing observation, a character. ये बहुत अच्छी बात इसने पिक की है कि एक्टर की ना ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको हर जगह नजर आता है। जी जी, काफी स्ट्रॉन्ग है जी। हाँ। So, लेकिन फिर भी अगर मैं आप जिन लोगों ने आपके साथ काम किया है जी, कुछ लोगों को बहुत आदत होती है सिखाने की। सेट्स के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी when I was shooting for a project, I got to work with Kavi saab, who passed away, may God bless his soul. वो बहुत guidelines देते थे सबको। Yeah, so Kavi saab के साथ, उनकी सिर्फ stories सुनना, PTV time पे किस तरह काम वो करते थे, radio पे उन्होंने किस तरह काम किया, मुझे पता चला कि पहले वक्तों के अंदर लाइव परफॉर्मेंस होती थी। There were so many cameras कि वो, because तब रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी चीज, तो डायरेक्ट शूट होके नशर हो रही होती थी।
So there's so much to learn from everybody. Kabi saab ho gaye, Manzoor saab ho gaye, mere jo director. अरे हाँ, तुम्हारे तो UE में सारे senior फटकार थे साथ. हाँ, director हमारे इत्तेशामुद्दीन साहब. बिल्कुल. सबसे इतना कुछ सीखा, माया, बिलाल. ये आप लोगों को पता है जब आपको प्रोजेक्ट अच्छा मिलता है और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एक इंस्टीट्यूशन अपने अंदर खुद रखते हैं सो फिर बड़ा फायदा होता है. सो तुम भी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट की इस तलाश में हो कि तुम्हें सारे लोग कोई ऐसे मिले जिससे तुम इम्प्रूवमेंट अपने अंदर और ला. अभी काफ़ी लोग ऐसे मिले भी हैं जिनसे मैं देख के मैं सीख. अच्छा सेट पे ये नॉर्मली होता है कि मैं बस जाके चुप करके बैठ जाती हूँ, मुझे इतनी वो बातचीत नहीं हो पाती. लेकिन मैं वही बात है आपकी वाली कि सबको देख रही होती हूँ, ऑब्जर्व कर रही होती हूँ. किसी और का भी सीन होता है तो मैं जाके आराम से चुप करके साइड पर बैठ के देख रही होती हूँ. एज न्यू कमर क्या मुश्किल तुम्हें फेस करनी पड़ती हैं? क्योंकि देखो बहुत सारे यहाँ सीनियर एक्टर्स भी आते हैं और फिर आके कैमरे के आगे मैं उनको मना करती हूँ ये बोलने के, लेकिन कैमरे के पीछे बोल रहे थे बस जो नए बच्चे हैं ना वो ऐसे हैं वैसे हैं. कुछ ऐसे बोलते हैं सीनियर्स, लेकिन कुछ आके बड़ी तारीफें भी करते हैं न्यू कमर्स की. सो एज न्यू कमर मैं चाहती हूँ कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या मुश्किल फेस करनी पड़ती है. एक्टिंग वाइज बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि जो आपके सीनियर्स होते हैं आपको सीन में वो मार्जिन नहीं देते एक्टिंग करने का. अच्छा. नो कि आप अपना एक बस होता है कि डायलॉग ख़त्म हो जाए, कभी डायलॉग आपका मतलब काट भी देते हैं. अच्छा. आपका कंप्लीट होता नहीं है और वो अपने क्योंकि उनको अपना आर्ट पता है ना. एग्जैक्टली. और यही चीज़ मैं भी सीख रही हूँ कि ये कैसे खींचते हैं. होता है ना कि आपको सीन लेना आना चाहिए कि अपना सीन कैसे बनाना है, तो ये बहुत बड़ी. अच्छा अच्छा. सो घर वालों से देखो लड़कों को तो शायद मिल जाती है हमारे हाँ थोड़ा सा ऐसा है. हकान को तो प्रॉब्लम नहीं हुई इस फील्ड में आने की, लेकिन लड़कियों के लिए और वो भी तीन भाइयों की एक बहन थोड़ा सा एक होता है घर से इजाजत का. सो कैसे आपने मिशल इजाजत वाला सिलसिला कैसे? अच्छा मैंने अम्मी से कभी शेयर नहीं किया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन जब मैंने एक सांबा में शो किया था, शो करने के बाद मैंने आके बताया. मैंने कहा बताना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे यही काम करना है. मॉडलिंग वाला शो किया था, वॉक कर ली थी. हाँ वॉक कर ली थी. और आई वाज लाइक कि यार, और उसके बाद फिर मुझे पता चला था कि कराची से टीम आ रही है, अगर वहाँ पे आपने ऑडिशन देना है तो ये. अब मुझे था कि पूछ के जाना पड़ेगा. तो मैंने अम्मी को थोड़ा सा बताया कि वो मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है. तो अम्मी ने कहा ओके. और मेरी अब्बू अम्मी, अच्छा अब्बू दुबई होते हैं, तो अब्बू को तो बहुत बाद में बताया था उनको. जब मुझे कराची शिफ्ट होना था तो उनको भी इतना ज्यादा फील नहीं हुआ था. हमारे घर में अम्मी की ज्यादा चलती है, तो उनको ये था कि वो दुबई होते तो उनको फील नहीं हुआ कि इस्लामाबाद से कराची. उनको तो था कि चलो पाकिस्तान में ही है. हाँ. तो फिर अम्मी ने कहा भाई तो नहीं खड़ा हो गया गंडा सा लेके? नहीं नहीं नहीं, वो लोग तो बहुत खुश थे. हमारी बहन टीवी में आएगी, लेकिन तू टीवी पे आएगी, तुझे कौन लेगा. इस तरह की बातें होती है. तो फिर जब ड्रामा आया, भाई बड़ा रिकॉर्ड लगाते हैं यार, मिशेल इतना कोई रिकॉर्ड लगाते हैं, कैसी एक्टिंग कर रही हो. तो घर वाले तो छोड़ते ही नहीं है. ऐसे ही है. तो मिशेल के साथ क्या हुआ? मेरे साथ यही हुआ कि बस मुझे मेरे क्लिप्स भेजते थे और जो है पिक्चर्स वगैरह भेजते थे व्हाट्सएप पे. कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इन्होंने ले कैसे लिया? उन्होंने अपना ड्रामा खराब करना था, इसलिए लिया था. तो इस तरह की बातें बहुत ज्यादा तंग करते हैं. लेकिन अब जो है वही भाई कॉलेज में जाके बताते हैं मेरी बहन है. और लेकिन मेरा सबसे बड़ा छोटा भाई जो है वो बहुत शाय है. तो वो तो उससे पूछो ना कि कितने बहन भाई हो, कहते सिर्फ तीन भाई है. अच्छा वो बहन का बताता नहीं क्योंकि उसको शर्म आती है. सबकी अच्छा अपनी नेचर और फितरत होती है भाई भाइयों की. जो मैं नेक्स्ट सेलेब्रिटी गेस्ट बुला रही हूँ जी, उनको आपने देखा है बिच्छू में. अल्लाह कैसा नाम है, बिच्छू, बेबसी, ताना बाना, परिजात, और भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए. तो आइए वेलकम करते हैं इल्मा जाफरी को. कैसी है इल्मा? कैसी है? ठीक है, प्लीज आइए बैठिए. मैं तो इल्मा को देख के हैरान हो गई. मैंने कहा इतनी छोटी सी है, सिर्फ जल्दी 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 सब कुछ क्यों कर लिया है? शादी भी कर ली, बच्चा भी कर लिया, और अभी तो इतनी छोटी सी लग रही है. हीरो भी नहीं मिलेगा कोई नाप का. तो ये इल्मा हीरो मिल रहे हैं? मिल रहे हैं. तो इल्मा को कितना अरसा हुआ है फील्ड में और कैसे आई आप इस फील्ड में? मुझे 4 साल हो गए हैं
और कैसे आई, मैं पहले दे रही थी ऑडिशंस वगैरह ना. अच्छा, तो ऑडिशंस दे रही थी? दे रही थी, बट फिर मैं हार, मतलब बचपन से था मुझे क्रेज कि मुझे एक्टिंग करनी है, बट फिर मैंने हार मान ली कि मुझे शादी करनी है. कहाँ कहाँ जाके देती थी तुम? जैसे कैसे पता चलता था तुम्हें? जरा लोगों को भी बताओ कि ऑडिशन देने के लिए गूगल करती हो, क्या करती हो, किधर जाते हो? नॉर्मली आई थिंक अब तो सबको सभी पता है, सिट्रस हो गया, सिक्स सिग्मा हो गया, मतलब नॉर्मली आप कराची में ही रहती हो. अच्छा, तो मैंने ऑडिशन एड्रेस वगैरह सब नंबर्स वगैरह गूगल करती हो, गूगल से निकालती थी? जी जी. अच्छा, नॉर्मली मैंने ऑडिशन दिए तो उस टाइम पे तो कुछ ऐसा फायदा नहीं हुआ कुछ. जैसे ही मैंने शादी कर ली, शादी के एक साल के अंदर अंदर फिर मुझे ना मतलब फोन आने लग गए, वहीं जहाँ ऑडिशंस दिए हुए थे. हाँ, वहाँ से फोन आना शुरू. आप मजे की मतलब मियां लकी है. नहीं नहीं, अब मजे की बात आप ये देखें कि मेरा बेबी हो गया. हाँ. और फिर मैं नॉर्मली स्टेटस वगैरह लगाऊं अपनी बेबी की के यार ये उसको मुश्क ड्रामे में मतलब कास्ट किया कि मतलब आपके बेटे को. हाँ, बच्चे को. हाँ, एक डायरेक्टर पीछे पड़ गया कि मुझे यही बेबी चाहिए और ऐसे से मोमल के साथ काम किया उसने. हाँ. अच्छा, मैं उसको लेके गई. अच्छा, मुझे था कि चलो मुझे नहीं हुआ लेकिन ये कि मेरी बेटी कर रही है. अच्छा, अब उसी दौरान ना मतलब उन लोगों ने बोला आप क्यों नहीं करती काम. अच्छा. हाँ. मेरे दिल में तो एक अजीब, मैं तो शुरू से ही ये चाह रही थी, तो फिर मैंने बोला क्यों नहीं करूंगी. फिर उसी दौरान ही ये मुझे ताना बाना मिला, परिजात मिला. परिजात का जो था तो वो लोग मुझे कह मतलब पहले से ऑफर आ चुकी थी, बट मुझे ये था कि थोड़ा सा कैरेक्टर है, क्या हुआ क्या नहीं, बहुत इन लोगों ने फोर्स किया. लेकिन जब मैंने काम किया वो सबूर जिस दोस्त को ढूंढ रही होती वो थी ना तुम, या क्या थी तुम बताओ? वो जिसके घर में रुकता नहीं है आके, अहमद अली. हाँ, हाँ. जो आती जानू को कभी दाल चावल लेकर आ रही होती. एग्जैक्टली, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई. तो बस वो जानू से शादी भी हो जाती है. हाँ हाँ हाँ, याद आ गई. अच्छा, टीवी पे कुछ और होता, सामने कुछ और लग रहा होता. अच्छा, तो फिर ये हुआ कि आपका करियर शादी के बाद और बच्चे के बाद शुरू हुआ. कैसे मैनेज करती हैं आप? कैसे मैनेज करती हूँ? इजी. ससुराल बहुत अच्छा है मेरा, सेपरेट हूँ, बट ये कि बहुत मैनेज, मेरी सास बहुत अच्छी है. बच्चा कहाँ होता है? कितनी बड़ी है आपकी बेटी? मेरी बेटी 3 साल की है. अच्छा. और तो उसको स्कूल भेज के तुम शूटिंग पे चली जाती हो, और स्कूल से पिक कौन करता है फिर? हस्बैंड है. हाँ. सास है, मतलब सब, बस सब. 3 साल का बच्चा तो स्कूल नहीं जाता. जाते हैं मेरे बच्चे तो 2.5 साल के बच्चे चले जाते हैं. अच्छा, अभी आज के बच्चे भी प्ले ग्रुप में बच्चों को स्कूल. अब तो मजे की बात ये है कि अब मैं अपने ड्रेस जैसे मॉडलिंग भी करती हूँ ना, तो मैं मेरे पास कोई ड्रेसेस आए होते तो मैं नहीं वेयर कर रही हूँ, तो सबसे पहले मेरी बेटी निकाल के बोल रही होती कि मम्मा मैं ट्राई करके देखती हूँ. ये तो होता है. अब आजकल बहुत सिनेरियो चेंज हो चुका है, कंपटीशन बढ़ गया है और बच्चे बहुत शार्प और स्मार्ट हो गए. नहीं नहीं, इसके ऊपर रिसर्च है कि बच्चों को स्कूल थोड़ा लेट भेजना चाहिए. यू शुड स्टार्ट ट्रेनिंग देम विद दैट. अच्छा, प्ले ग्रुप जो है ना वो 2 घंटे के होते हैं. 2 घंटे में फायदा ये होता है कि बच्चों को ना दूसरे बच्चों के साथ थोड़ा रहना आ जाता है, वरना आप उनको एकदम भेजते तो वो जो तहस नहस करते दूसरे बच्चों का मुंह. नहीं, अच्छा, अब एक बच्चा होना तो बड़ा मसला हो जाता. हाँ. है. और मेरी बेबी का प्रॉब्लम ये भी रहा कि वो छोटी सी थी, उसको डॉग का शौक था, वो बाहर की जो डॉग्स होते dogs. हाँ, उनके पीछे. अब फिर मैंने एक डॉग रखा तो उसको ये रहा कि वो अभी तक है तो उसको ये लगता है कि ये मेरी बहन है. हाँ. तो मैंने इसलिए इसको बहन उसे आपने समझाया कि नहीं, ड्रामों में ब्रेक लो, उसको बहन दे ही दो, ये बड़ा मसला हो जाएगा. ये तो चलो एक और बात, ये बड़ा ब्रेक हो. मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ. नो वे. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सो आपकी मुलाकात आज हम राइजिंग स्टार से करा रहे हैं. हाकान शाहनवाज हमारे साथ मौजूद हैं, मिशेल मुमताज़ मौजूद हैं और इल्मा जाफरी मौजूद हैं. और हम इनसे बड़ी हमने अभी जानकारी हासिल कर ली हमने कि कैसे आए, कैसे शौक हुआ, कहाँ से आए और कैसे चांस मिला. सो अब हम इनके ज़रा से और डिटेल गुफ्तगु में चलते हैं और कुछ किस्से इन तीनों से हमने कुछ क्लूज हैं जो हम इनको देंगे और इससे कि हमें वो किससे सुनाएंगे कि ये क्या क्या अपनी जिंदगियों में इस वक्त शरारतें कर चुके. आइए जी, पहला जो पहली पिक्चर है वो किसकी है? खाकान की पिक्चर है सौदा राशन के साथ. ये क्या सीन है खाकान, ये क्या कहानी है, इसके पीछे क्या राज है? ये मेरे ए लेवल टाइम की एक स्टोरी है, बड़ी मजे की. हुआ ये था कि मैं बोर्डिंग स्कूल में रहता था. अच्छा. हॉस्टल में.
कहाँ पे कौन से वाले हॉस्टल? बीकन हाउस न्यूलैंड्स का बोर्डिंग स्कूल था वो, किधर कौन से शहर में? लाहौर। लाहौर में या तो वहाँ रहते थे, तो जो हमारा हाउस था ना बोर्डिंग हाउस, उसका एक स्टोर रूम था। स्टोर में चीजें पड़ी होती थी राशन की, सो फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एंड बिस्किट्स एंड ऑल दैट, बाकी आटा शाटा भी होता था, बट उससे हमें क्या लेना देना। तो हमारा साल खत्म होने वाला था, तो हम सब ने प्लानिंग की कि इसको ना हम निकाल के आइसक्रीम वगैरह खा जाते हैं। तो हमें पता था चाबी किचन में पड़ी होती है और किचन लॉक्ड होता है, और घर में ना जो जिस हम हाउस में रहते थे कैमरास लगे हुए थे डोरवेज में, एलीवेज में, लाउंज में, कमरों में तो नहीं। तो हमने प्लानिंग इस तरह की कि हम एक कमरे में सारे बॉयज इकट्ठे हुए, फिर हमें पता था कि कैमरा की ब्लाइंड साइड कौन सी है, एक दीवार के साथ साथ अगर चलो तो कैमरा में नहीं नजर आते आप। तो हम लोगों ने दीवार के साथ साथ चल के ये काम मैंने किया था कि मैं दीवार के साथ, बिकॉज आई वॉज वेरी स्लिम, तो मैं ऐसे 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 जाके अपनी शर्ट जो पहनी हुई थी वही शर्ट उतार के कैमरा के ऊपर फेंक दी, और उस तरह नीचे जाके फिर नीचे वाले कैमरा के ऊपर फेंक दी, और सीढ़ियों में जो कैमरा उस पर भी फेंक दी, और फिर हम गए किचन के दरवाजे तक। किचन के दरवाजे में पहुंचे तो किचन का दरवाजा लॉक इस तरह था कि वो साइकिल का लॉक नहीं होता, साइकिल का लॉक लगा हुआ था ऐसे हैंडल के अंदर, ऐसे दरवाजा खुलता था। तो हमने वो लॉक को ऐसे स्ट्रेच करके इतना सा रास्ता बना के अंदर से मैं गुजरा, पतला आदमी जा सकता है, उसके अंदर से गुजर के निकाली स्टोर की चाबी, चाबी दी, ऊपर स्टोर में गए, स्टोर में जाके हमने आइसक्रीम निकाली, हमें कुछ आई थिंक 4 tub मिले थे, हम 15 लड़के थे, 4 tub आइसक्रीम के निकाले, बिस्किट्स निकाले, कोल्ड ड्रिंक्स निकाली, और वो बैठ के हमने सब खा लिया, और वो खाया भी इस तरह के हमारे पास चमचे तो थे नहीं, तो हमने वो टब का जो जंगलियों की तरह जो कार्डबोर्ड नहीं होता, कार्डबोर्ड फाड़ के उसके चमचे बना बना के सब खा के शॉपरों में बांध के दूर फेंक दिया बालकनी से प्लॉट में साइड पे, और वापस चाबी वगैरह रख दी, उतार लिए। अगले दिन बस स्टाफ को जो पता चला, they just couldn't prove it because कोई एविडेंस ही नहीं था। तो जो शर्ट थी तुम्हारी पकड़ी नहीं गई, वो जो नहीं, शर्ट बस उतार के वापस पहन के अपने अपने कमरे। पता नहीं आज पता चला होगा सबको कि ये थे वो लड़के। नहीं, इससे पहले मैं एक इंटरव्यू में बता चुका हूँ ये स्टोरी, बट हाँ अब क्या फायदा, मतलब छोटी सी चोरी थी, आई थिंक 2500 रुपए का नुकसान था, हम लोग वहाँ पता नहीं लाखों दे रहे थे, तो बस, बट लाइक दिस इज वन ऑफ माय कोर मेमोरीज, तो ये इन्होंने दिखाई है। शरारती तो है ना ये लड़का। जी नेक्स्ट किसकी है? मिशेल, ये क्या है, झूला झूलते हुए क्या सीन है तुम्हारे? झूला झूलते हुए का ये सीन है कि हम लोग बहुत छोटे होते थे, और मेरी फैमिली और मेरी चाची की फैमिली, हम लोग एक साथ एक ही घर में रहते होते। अच्छा। तो मेरे कजन भी थे, तो आपको पता है पहले टाइम होता था कि दोपहर के टाइम सोते थे, एक रूटीन होती थी, स्कूल से आओ दोपहर को, दोपहर को आप सो जाओ। तो मेरी अम्मी उस टाइम करती थी जॉब। अच्छा। और अम्मी ऑफिस से आई है 4 बजे, अम्मी ने चाची को कहा है कि बच्चे का है। हाँ। तो चाची कहती है सो रहे हैं कमरे। हाँ। में तो अम्मी ने कहा नहीं सो रहे। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बाहर होंगे, खेल रहे होंगे, क्योंकि तब यही शौक होता था ना कि बाहर चल के खेले। हाँ, खेले। हाँ, हाँ। तो बाहर भी उन्होंने देखा, घर के बाहर नहीं। फिर हमारे घर के पास एक पार्क होता था, वहाँ पे भी चेक किया, वहाँ पे भी बच्चे नहीं थे। अब इस सारी सिचुएशन को 4-5 घंटे हो गए थे, अब पूरी गली वाले जो है सब परेशान कि इनके बच्चे कहाँ चले गए, सब ढूंढ रहे। अब हम देखते हैं, हम लोग जहाँ पे थे दूर से एक बाइक पे ना अंकल आ रहे हैं, हमारे नेबर थे, वो कहते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग के घर वाले परेशान है, चलो घर वापस। हम लोग क्या कर रहे थे कि सोसाइटी का एक गेट था बहुत दूर। हाँ। हम लोग वहाँ पे बारी बारी आराम से चलो के एक दूसरे को झूला झूला रहे थे। और हुआ ये था हमारे साथ कि हम खेलते 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 पता नहीं कहाँ निकल गए थे, हम वापसी घर का रास्ता हम भूल गए थे, और हम परेशान होने के बजाय हमें था कि अच्छा ये गेट मिल गया, चलो उसके साथ खेलते हैं, घर वाले खुद ही ढूंढ लेंगे। लेकिन वापस आके हमें बहुत बुरी मार पड़ी। ओए होए, और सारे सब पिटे, लाइन से खड़े होके सब पिटे, और बहुत बुरा पिटे। ये देखो जरा, दिखाए मेरी नेक्स्ट किस्सा। इल्मा, तुम्हें किसने धक्का दिया? हाँ, अभी की बात है, अभी मैं 2 दिन पहले एक शूट कर रही हूँ, तो उसमें मतलब मेरी जो को एक्टर है वो नेगेटिव है। अच्छा। तो
सीन ये होता है कि वो मैं मोबाइल पकड़ती हूँ, वो घर से जैसे भागती नहीं लड़कियाँ, वो भाग रही हैं, तो मैंने सुन लिया कहीं रात के टाइम, तो मैं गई हूँ और मैं जाके ना उससे मोबाइल छीनती हूँ और कहती हूँ कि लाओ मोबाइल और कहाँ जा रही हो. तो वो सीन ऐसा था कि वो डायरेक्टर को मैंने खुद ही कहा था कि ये मैं फ़ोन पे करूँगी तो ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगा ये, मतलब फाइट करना, हाँ फाइट वाला ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा. तो वो रियल में इतनी नेगेटिव हो गई कि वो मतलब वो उसको था कि मुझ पर गुस्सा करना है, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो भी गुस्सा कर रही है, उसकी मम्मा भी गुस्सा कर रही है. तो उसने ये किया कि वो मैं मोबाइल छीन रही, तो उसने यूँ धक्का दिया पहले, फिर मैंने मतलब मैं तो कैरेक्टर में थी, फिर मैंने दो, फिर उसने मेरे मुँह पे मतलब यहाँ पे नाखून मार के और यूँ करके धक्का दिया. और लिटरली हम लोग इतना हंस भी रहे कि यार मतलब तुम सीन में हो और तुम रियल में मुझे मारे हो. बोलिए मैं रियल में तुम है, कौन थी वो, नाम नहीं बताऊंगी. अब तो फंस गए, क्यों बताया किस्सा, नाम बताओ. मतलब तुम आज सारा दिन मेरा हिस्ट्री में निकल जाएगा, ए में कौन कौन बैठी, मैं तो यही करती रहूं. लिटरली उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि पहले तो सीन से पहले क्या है, कौन से ड्रामे में आई है मुझे ये तो बता दो. ड्रामे का नाम बता दो. अभी ऑनियर होगा वो ड्रामा 10 मुहर्रम के बाद, मतलब ये तो कोई बात स्टोरी सुना दी है, तो अब जब वो ड्रामा आएगा तो एवरीबॉडी वुड नो, तो वो तो पता चल जाएगा ना. लेकिन अभी बता दो तो क्या जा रहा है, फिर तुम्हारा ड्रामा लोग और देखेंगे. मैं तो मैं धक्के की वजह से बता रही हूँ, प्रमोशन हो जाएगी. नहीं आप भी आप लोग देखेगा मेरा दिल मेरे सपने करके आएगा वो ड्रामा 10 मुहर्रम के बाद, वो तो वो ज्यादा मजेदार सीन है. मतलब वो धक्का, ये हाँ वो धक्का शूट हुआ है कि नहीं हुआ, अच्छा हुआ है. और नाखून के निशान तुम्हारे मेकअप के नीचे हैं कि नहीं है. लिटरली मैं इतना पीटी हूँ उसके बाद कि मैं मुझे डायरेक्टर ने भी कहा कि तो ये सही से पॉलिश होगी ना, मतलब कभी वो सही से क्या होगी, पॉलिश नहीं हो जाती कि मार मार के सही से आपको जबरदस्त कर दिया जाता है कि भाई घर से तो कभी मार खाई नहीं, लेकिन एक्टिंग में आके जो मार खाई है मैंने. हाय अल्लाह, मैं भी बड़ी पिटी हूँ. मैंने कोयटा वालों के साथ ड्रामा कर लिया था, मेरे अब्बू ने कहा ये कौन है ये, सच में उस चीट होता है ये तो सब थप्पड़ वप्पड़. हाँ नहीं सच में मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैंने ये क्यों साइन कर लिया, मतलब मैंने क्यों, मतलब कभी अम्मा डांट रही हैं, कभी उनकी पिट रही हो हाँ, उस ड्रामे में मैं मासूम हूँ. तो अगर आपको इस बेचारी मासूम लड़की को पिटते हुए देखना है तो आप वो ड्रामा देखिए, किसी और चैनल का है तो मत देखिए, हमारे चैनल का तो देखिए. अच्छा अगला किस्सा क्या है भाई, देखेंगे हम किसके नाखून थे वो. चीटिंग खाकन, तुमने कोई चीज अच्छी वाली की है जिंदगी में? चीटिंग वैसे चीटिंग मैंने भी किया खाकन. नहीं ये मैं नहीं कर रहा चीटिंग. तो ये एक किस्सा ये है कि जब मैं ओ लेवल में था तो मुझे एक लड़की ने बोला कि मुझे MCQs के आंसर बता दो कैलकुलेटर में लिख के, क्योंकि कैलकुलेटर में ABCD लिख सकते हो ना आप. तो वो लड़की उस टाइम पे मैं बच्चा था तो मुझे था कि वो शी इज रूड टू मी इन क्लास, शी वाज रूड टू मी, तो मैंने उसे सारे गलत आंसर्स लिख के दिए. 20 MCQs थे तो मैंने 20 के 20 गलत आंसर लिख के उसे दे दिया. और जब रिजल्ट आया तो उस लड़की ने अपना रिजल्ट देखा, ऐसे मेरे थे कोई आई थिंक हाँ 30 थे MCQs, नहीं 40 MCQs थे सॉरी, मेरे आए 36. आई वॉज वेरी गुड एट दैट सब्जेक्ट. और उस लड़की के आई थिंक आए 7-8, क्योंकि वो रैंडमली भी उसके कुछ सही हो गए. हाँ. मैंने एक जान के सब गलत नहीं लिखे, रैंडम लिख दिए. हाँ. तो उसके आए 8 नंबर. हाँ. तो उसने ऐसे अपने नंबर देखे और मुझे देखा और उसके आंसू आ गए. फिर मैंने सोचा नहीं खाकान साहब आपने गलत कर दिया, ये नहीं था करना चाहिए. आज कन्फेशन डे है खाकान का. खाकान ये क्या है, ये आज कन्फेशन डे है. बट तो ये इस तरह की चीजें बचपन में की हैं जो आई रिग्रेट नाउ. ये छोटे छोटे बदले जो है ना ये सही है. नहीं सही, बदले बड़े होते हैं ना जो. आई थिंक उस टाइम पे भी आई शुड हैव बीन स्मार्टर, आई शुड हैव बीन नेगेटिविटी निकल गई ना. हां तभी निकल गई सारी. हाँ. इतनी सी थी. यही था. गुड है, सही है. वैसे चीटिंग मैंने भी की है. हुँ. और ऐसी ऐसी चीटिंग की है ना. अच्छा. फिर कॉपी में ही छोड़ दिए. अच्छा. टीचर ने कहा चीटिंग करना तो सीख लो. इतनी मेहनत से फर्रे बनाए और वो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं निकाल सकूं. आप फर्रे फर्रे. हाँ फर्रे फर्रे. हाँ, पंजाबी में हम बूटियां कहते हैं. बूटियां. हाँ बूटियां एग्जैक्टली. और वो बूटी था भी इतना बड़ा क्योंकि मुझसे तो और छोटा लिखा नहीं जा रहा था. पाकिस्तान स्टडीज का पेपर था और टीचर क्लास टेस्ट में चेक करें
मैं बहुत दफा किस्सा ये सुना चुकी हूँ, अजबर हो गया लोगों को, और कह रही हैं चीटिंग करना तो सीख लो, ये बूटी ये फर्रा निकला है. मैंने कहा हाँ, तो सर पे खड़ी होंगी तो कहाँ से निकालूंगी. अच्छा, और बहुत दफा ये भी होता है कि आप चीटिंग करने वाले के मार्क्स ज्यादा आते हैं और जिससे आप चीट कर रहे होते हैं उसके कम, ये भी बहुत होता है. क्या ये कैसे, ये क्यों, ये क्या साइंस है? लक लक मूड की बात है कि आपका जो चेक करने वाला है पेपर उसका मूड कैसा है. नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम में मसला है. जो एग्जाम्स चेक कर रहे होते हैं वो भी बस 5-5 रुपए का एक एग्जाम चेक कर रहे होते हैं, दे डोंट रियली केयर. ये हमने बहुत सुना था, इसलिए मैं तो अक्सर एग्जाम में अपने पेपर में जो मुझे नहीं आता था ना क्वेश्चन का आंसर, मैं गाने दुआएं लिख के आ जाते थे और फिर पास हो गई. पास भी बहुत करोड़ों का काम चल रहा है, वहाँ दुआएं लिख रही है बैठ के, ये जी प्लीज अल्लाह का वास्ता है, ये बैलेंस खुद कर लें. आपको अल्लाह लंबी उम्र दे. आपने बहुत अच्छा किया, इनको ज्यादा से ज्यादा ड्रामे दें ताकि ये बैंकिंग की दुनिया में वापस आ जाओ. सोचे भी नहीं. हाँ भाई, नेक्स्ट किस्सा. इसलिए तुमने किसको गंजा किया है? ये मैंने अपने भाई के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और बेचारे मासूम बच्चे ने कटवा भी लिए. उसने कटवा लिए बेचारे ने. हम लोग बैठे हुए थे, मैंने उसको बोला कि आओ, जैसे आर्मी कटिंग होती है ना, मैं तुम्हारी वैसे करती हूँ. उसने कहा अच्छा चलो ठीक है. वो भी बेचारा बैठ गया. अब मैंने क्या किया, बाउल उसके सर पे रखा प्रॉपर. तुमने प्याला रखा? हाँ, मैंने प्याला रखा और फिर जो है ना उसके प्याले के नीचे वाली जगह से उसके बाल काटती गई. अब जब मैंने प्याला हटाया तो अब ये होता है कि आपके बालों की थोड़ी लेंथ होती है, जो हटाया तो वो बाल उसके यहाँ तक आ रहे थे. मैंने कहा ये तो नहीं सही समझ में आ रहा, बैलेंस आउट हो रहा है. तो उसको बैलेंस करने के चक्कर में उसके ना मैंने सारे बाल काट दिए और छोटे छोटे उसके बाल रह गए. और वो बाल तो कटे कटे, लेकिन उसके साथ वो एक होता है ना एक कट लग जाते हैं जो बिल्कुल ही बाल उसके जगह जगह कट 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 लग गए बेचारे के. अरे अम्मी ने क्या किया फिर तुम्हारे साथ? अम्मी ने मारा हैंगर से, चप्पल से, डंडे से, चप्पलों से मारती होती थी. अम्मी चप्पलों से मारती होती थी और जो है वो जो बैलेंस जो होता है. आ गए भाई के बाल? आ गए. और फिर जब बाल आए थे फिर एक लड़कों का फैशन चला था वो जो यहाँ से रेजर कट वाले, कट वाले. हाँ. अब उसके बाल आए. अब उसने कहा मैं जाके क्या करवाऊँ, मैं खुद ही करता हूँ. अब उसने ना अपने दो लाइंस यहाँ पे बना ली इतनी इतनी. अब वो बना के ना यूँ करके कहते सरप्राइज है, मैं बताऊँ मैंने क्या किया क्या किया. उसने दिखाया और वो इतना बुरा लग रहा था, माशाल्लाह से हो गई उसका आदत सी हो गई थी. इतना बुरा लग रहा था. अम्मी ने फिर उसको मारा था. उस पे उसको मार पड़ी थी. चलो भाई ये तो हमने सारे तो... हमारी मेरी अम्मी जो थी ना कभी बच्चों को मासूम समझ के छोड़ती नहीं थी. हमेशा मार खाई है. कुछ बच्चों को पिटना चाहिए. हाँ जी, नेक्स्ट किस्सा किसका है? मेरा बेबी खो गया. कौन सा बेबी? तुम ये कुछ लोग हस्बैंड को बेबी कहते हैं, कुछ लोग बेबी को बेबी कहते हैं. ये भी बहुत मतलब रात के टाइम हम अपने डॉग को बाहर ले जाया करते थे. तो वो एक दफा हम सब जा रहे हैं, मैं शूट पे जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, फिनू भी जा रही है. फिनू बेटी है. हाँ, अब वो उसको आपको लग रहा है डॉगी का नाम फिनू है? यही चीज क्योंकि अभी इन्हें पहले डॉगी इनको बेटी को बहन लग रही थी अपनी. हाँ, हो सकता है फिनू. डॉगी का क्या नाम है? शेरल. अब मैं किसी को फोन, अब ये भी घर पे नहीं है. मैंने पहले किसी जो जिनको जानती थी उन सबको मेरी मतलब बेबी खो गई और बाहर निकल गई हूँ, बच्ची खो गई है और ढूंढो और मतलब ये रोना पिटना मचा हुआ. मतलब कैसे निकल गई वो घर से बाहर ना, रात के 2 बज रहे और हम लोग ढूंढ रहे हैं उसको ना. डॉग के बीच में ब्लैक कलर की है बकायदा पूरी ना. अब डॉग के बीच में हम लोग ढूंढ रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कैसे मैं बताऊं कि बिल्कुल अजीब हुलिया नाइट ड्रेस वेयर किया हुआ और हम लोग डॉग के बीच में ना. अब लोग हमें देख रहे हैं और बोल रहे हैं शायद डॉग ने पकड़ लिया है क्या है. लोग आगे बोल मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा खो गया. हाँ, तुम्हारी बेबी, बेबी बच्चा, जो बच्चा, तुम... बच्चा खो गया. अच्छा बोले कौन सा बच्चा, इन लोगों ने खा लिया क्या? नहीं नहीं वो असल में डॉग ही है. तो वो
यूं करके शॉक टॉक के देखने लगे, मतलब इतना पागल है। और जिन जिन को फोन किया वो लोग मुझे बोले जल्दी से पिक्चर भेजो, आप जैसी पिक्चर भेजूं तो बोले हद कर दी यार इल्मा, मतलब भी समझ गए कि तुम्हारी बेटी को हो गई, क्योंकि मैंने ना रिएक्ट कभी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम निकली तो वो मैंने रिएक्ट ऐसे किया जैसे कि बच्चा नहीं खो जाता। बाद में मैं खूब हंसी हूँ कि मैं क्या, मैंने क्या कर दिया कि मतलब लोगों को 7 बजे तक मैंने इस तरह तंग करके रखा है। 7 बजे के बाद वो जब तुम शूटिंग्स पे जाती तो दूसरा बेबी जो है क्या नाम बताया, शैरल, उसको कौन संभालता है? मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है कि मतलब मैं अगर घर पर हूँ ना, हाँ। और फिनी अगर गिर जाए या फिनू को कुछ भी हो जाए, फिनैना, तो वो मुझसे ज्यादा वो उसकी केयर करेगी, वो बड़ी बहनों की तरह आके देखेगी कि क्या हुआ, कैसे लग गई, जरा सा वो रो जाए तो उसको मतलब उससे मुझसे ज्यादा उसको केयर की है, मतलब मैंने उसको रखा हुआ बच्चों की तरह ही है शुरू से। नहीं, लेकिन उसको बेबीसिट कौन करता है? मेरे हस्बैंड, अच्छा। मेरा भाई, हम लोग मिलके मतलब सब संभाल लेते हैं। मैं तो तुम्हारे घर आऊँ तो तुम सोफे पर चौकड़ी मार के ही बैठ लो, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं, अच्छा, हाँ। हमें ऐसी आदत हो गई कि मतलब मैं कभी घर चेंज करने का सोचूं और ये होता है कि डॉग को कोई नहीं रख, तब तो मैं नहीं, तो फिर घर नहीं चेंज, हाँ मैं उसके बगैर नहीं, मतलब हमारी पूरी फैमिली नहीं रह सकती, हाँ मोहब्बत हो जाती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बातें करते हैं। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आपकी मुलाकात आज हमने प्रॉपर तरीके से करा दी है, खाकान से, मिशेल से, अनिलमा से। और अभी मुझे पता चला कि जो खाकान ने शर्ट पहनी हुई है ये इसके अपने ब्रांड की, खाकान अब तुम्हें खड़े होकर दिखानी पड़ेगी। रोवन रोवर 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 आर ओ वी आर रोवर, ओ वाओ, मैंने फौरन ऑर्डर प्लेस कर दिया यहाँ बैठे बैठे अपने बेटे के लिए कि भाई तुम मुझे फौरन ये। अच्छा भाई, ये तो बड़े समझदार बच्चे हैं आजकल के आए हैं शोबिज में, जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए हैं फौरन इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, गुड 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 बॉय। सो ये कब शुरू किया तुमने बिजनेस? ये हमने शुरू किया था पिछले साल, मैं और मेरा भाई है असद, अच्छा, हमने शुरू किया पिछले साल, विंटर कलेक्शन निकाली, उसमें जैकेट्स थी और हुडीज। डिजाइन कौन करता है? डिजाइन हम आउटसोर्स भी करते हैं, खुद भी करते हैं, मैं बेसिकली क्रिएटिवली देखता हूँ, असद प्रोडक्शन साइड देखता है, ओके, और सियालकोट में ही हम मैन्युफैक्चर करते हैं एंड वी सेल इट ऑनलाइन, ऑनलाइन या इंस्टाग्राम पे पेज है rover.shop, हाँ। और वेबसाइट भी है rover.shop, बस आप rover.shop लिखोगे तो यू फाइंड दीस क्लोथ्स। वेरी, तो खाली लड़कों की शर्ट्स है, यूनिसेक्स है, यूनिसेक्स, लड़कियां भी पहन, लड़कियां भी पहन सकती हैं, एंड बस पूरी फैमिली ट्विनिंग भी कर सकती है, सब एक साथ। और हमारा प्लान ये है कि हम बेसिकली डिजाइनर क्वालिटी, डिजाइनर लेवल शर्ट्स बनाएं, बट वी मेक इट चीप एंड एक्सेसिबल। सो इस पे इतना ज्यादा काम हुआ है, दिस शर्ट इज फॉर 5000 रुपीस, तो लोगों को इतना पता चला है, मतलब लाइक या या वी डूइंग गुड, अच्छा या बिकॉज़ मेरे इतने ज्यादा दोस्त हैं इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स, सब पहन रहे हैं, तो इट्स ऑलरेडी आउट देयर, तो या इट्स वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज़ हमारा, क्योंकि सियालकोट प्रोडक्शन सिटी है, सो वी हैव एक्सेस टू ग्रेट प्रिंटिंग, ग्रेट क्वालिटी फैब्रिक, तो इसका मतलब सही बात है, जैक ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, है ना? या सो वही वाली बात है कि भाई समझदार हैं आजकल के बच्चे, अगर वो शो बिजनेस में आ भी रहे हैं, जिसको बड़े बुजुर्ग हवाई रोजी का नाम देते थे, तो वो ये सोच के आ रहे कि इसके साथ साथ कोई एक पक्का काम, एक बिजनेस होना चाहिए, और हर कोई बिजनेस माइंडेड नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपकी फैमिली है, आप हो पाकिस्तान में, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि यहाँ के लोग पैसा इकट्ठा करके जमीनों में डाल देते हैं या बैंक्स में डाल देते हैं या ये चीजें कर देते हैं। वी नीड टू सेट अप बिजनेसेस, हमारे जितने ज्यादा बिजनेस होंगे उतनी ज्यादा इकॉनमी रोलिंग, रोलिंग में होना चाहिए, पैसे रोलिंग में होने चाहिए, पैसा आपकी गाड़ी में नहीं पड़ा होना चाहिए, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो गाड़ियां नहीं इतनी ज्यादा रखते, वो बिजनेसेस में पैसा, और किरायों के घर में भी रहते हैं, ज्यादा प्रॉपर्टियां नहीं खरीदते, बिजनेसेस में पैसा होना चाहिए ताकि इकॉनमी भी आबारी, हाँ, इकॉनमी चलती रहे, जॉब्स क्रिएट हों, बिजनेसेस चलते रहें, तो आई थिंक एवरीबॉडी शुड सेट अप बिजनेसेस एंड दिस इज माय फर्स्ट, आई विल कीप सेटिंग अप बिजनेसेस एज आई प्रोग्रेस इन माय करियर। वेरी गुड, जबरदस्त भाई, छोटे बच्चों से सीखने को मिलता है हमें, और अगर जाहिर है सीखना चाहिए तो क्यों नहीं, वेरी गुड। यू शुड हैव अ मेकअप ब्रांड, हैं यू शुड हैव अ मेकअप ब्रांड, मैं लाइन ऑफ मेकअप, मेरा जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि मैं एक वक्त पे ना एक चीज पे फोकस कर सकती हूँ। मेरी बेटी फैशन डिजाइन पढ़ रही है, मैंने आगे कपड़ों की ब्रांड लानी है, लेकिन डिजाइनर मेरी अपनी होगी, हाँ, ये देखें जो कभी भाग ना सके, है ना, जो इन्वेस्टर होगी वो भी नहीं भागेगी और डिजाइनर भी नहीं भागेगी, तो वो वाली है मेरा वो फ्यूचर प्लान है। लेकिन मैं जो भी जिंदगी में करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि बस
फुल 100% अपना उधर दे दूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आधी निदा या सिर्फ GMP में है आधी उधर, तो मैं नहीं कर सकती ऐसे। ओके जी, नेक्स्ट किसकी कहानी है सुनाइए, ये अली जफर के साथ की क्या कहानी है खाकान? कहानी नहीं है, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी, ही इज लाइक एन ओल्डर ब्रदर टू मी, बट आई थिंक this is this concerns the first time I met him to tab I was very starstruck ki wo Zafar and he was very sweet and I took a picture with him and he was very sweet, he was like oh yahan tumhari picture achhi nahi aayegi, so we went to a better lit area wahan hamari picture humne khinchi, so yeah he's a great person and he's been very supportive and taught me a lot. Achha. So, yeah, he's like a like kaise I'm friends with his younger brother Daniel. Yeah. Aur wo usme drama mein hui dosti aap? Nahi nahi, hamari pehle se thi. Yeah, pehle se thi. So aap inke fan hai? हाँ, who's not his fan? कौन नहीं है भाई? He's an icon of the industry and I think he's motivated a lot of young upcoming people because what he's done we can only aspire to do. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ भाई, नेक्स्ट किस्सा किसका है? मिशेल, ये मोबाइल और ये चोर है साथ. हाँ, क्या हुआ था? मोबाइल चोरी हुआ है? मोबाइल चोरी हो गया था. कब हुआ, कहाँ से हुआ? में ही आके स्टार्टिंग में. अल्लाह, कितनी बेइज्जती कराची की. पहले कराची में आने से पहले बहुत लोगों ने डराया हुआ था कि वहाँ पे स्नैचिंग होती है. तो पहले स्टार्टिंग में तो मैं मोबाइल कहीं बाहर पे भी बैठती थी ना, तो मोबाइल यूँ छुपा के बैठती थी, मोबाइल और बैग के. थोड़े टाइम के बाद मैं इजी हो गई, मैंने कहा कि ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं. लेकिन फिर हुआ ये कि मैं अपनी गाड़ी में बैठी थी और बैक मिरर ना किसी ने नॉक किया, देन आया कोई. अब मेरे माइंड से वो चीज़ निकल चुकी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी फजूल की अफवाहें हैं कराची के बारे में. तो आई थॉट कि किसी ने रास्ता पूछना होगा और मैंने मिरर नीचे किया तो उन्होंने ना उन्होंने क्या उसने गन रखी चोर की चोर साहब ने उन्होंने गन निकाली और उन्हें कहा दे दो सब कुछ. हाँ. अच्छा, मैं मोबाइल दे रही हूँ, बैग दे रही हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी. अब बैग उसने पकड़ा हुआ यहाँ सर, मैंने कहा नहीं प्लीज, मेरा आईडी कार्ड है, वो मुझे निकालने तो बहुत मुश्किल से बनेगा वरना बहुत मुश्किल. उसने कहा दे दो, वो नर्वस होके गोली चला देगा, दे दो. और मैंने उसे 2 मिनट बहस की है और यूँ खेचा. खैर फिर मैंने दे दिया और मेरी दोस्त ने बोला आइंदा ये गलती कभी भी मत करना, तुम चोर से बहस कर रही हो वो तुम्हें मार के और चीज़ें लेके चला जाएगा. आइंदा वो जो नॉक करे तो भी नहीं खोल क्या करें, कभी कहीं होता है कभी कहीं होता है. जी आइए भाई, जरा देखते हैं इल्मा ने क्या हरकत की परीजात में, क्योंकि इल्मा ने काम किया तो इल्मा ने क्या ऐसी हरकत की? देखिए, मैं इनके साथ काम कर रही थी तो मैं फर्स्ट टाइम ही काम कर रही थी तो मैंने इनको इतने अच्छे से नहीं जज किया था. बट ये एक दफ़ा विदाउट मेकअप आए तो मैं इनसे ही पूछ रही हूँ, मतलब इजली आके बैठ के और कैसे हो. नॉर्मली सलाम दुआ करने के बाद बोले आप कौन है, तो क्या तुमने इनके साथ काम किया? मतलब एक वक्त के लिए तो वो शॉक्ड होके ना पहले यूं मुस्कुरा के ना इस तरह देखने लगे, बैठे हुए तुमने कहा ये कौन है? तो फिर मैंने बोला आपने कैसे है, मतलब कैसे एग्री होगा, कहने लगे क्या मतलब है. लेकिन उसके बाद जब ये ऑन ईयर हुआ और उसके बाद जब मैंने काम देखा मैं करना बनता था, ये तो मिल गई ना किक भाई, ये तो ऐसा काम था कि इसके लिए तो एक्टर तरसता है इस काम के लिए. तो लेकिन बहुत खूबसूरत है ये, मतलब इन्होंने बहुत, इनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है. बहुत बड़ा दिल नहीं, ये एक्टर अक्लमंद है, उसको मिल गया वो जो उसको चाहिए था. हाँ. वाली चीज़ है, लोगों को पता चल गया कि ही इज़ अ गुड एक्टर. कितने सारे और ड्रामे किए थे लेकिन परीजात एक पहचान बन गई. आपका कोई एक ड्रामा होता है जो आपकी पहचान बना देता है ना. बहुत मेहनत करने में, मतलब ये रीटेक पे भी कभी भी वो नहीं करते थे. हाँ. बहुत अच्छा काम करने वाले. हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी. नेक्स्ट है छुट्टी, छुट्टी हो गई भाई. मैं देखो जरा यार, पता ही नहीं तुम लोग कितने गपूरे हो और मैं भी तो हूँ गपूरी. तो वो अच्छा रहा, मज़ा आया तुम लोगों के साथ बातें करके. सो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए. बस जाते जाते मुझे अपने फ्यूचर प्लान्स बता दो, किस हीरोइन के साथ काम करने के लिए ख्वाहिश है? नहीं कोई के हीरोइन हो या चलो कोई डायरेक्टर हो. नहीं कोई ख्वाहिश, कोई ख्वाहिश नहीं है सच तो नहीं है कि किस स्पेसिफिक इंसान के साथ काम करना है. बस यही है कि
जो भी काम करना है अच्छा करना है, मेहनत से करना है. And I want to work with everyone because everyone has something different to teach you. So yeah, there's no preferences. तो अपना अपना ड्रामा वगैरह देखते हो तो देखते हो कि क्या ये खामी है, किसको दूर करनी है, या खुद ज्यादा एनालाइज कर पाते हैं? अपने सीन्स देखता हूँ बैठ के, फिर मैं सोचता हूँ हाँ ये मैंने नहीं सही किया, हाँ यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता था, ये तो मैंने बहुत गलत किया है, अगली दफा अगर इस तरह का काम किया तो इस तरह करूंगा. तो यार आई थिंक यू शुड वॉच whatever you do, because वो देख के आप सीखते हो कि अच्छा ये गलत है या ये ज़्यादा focus की ज़रूरत है. तो भाई आप लोगों को भी best of luck, thank you, और अल्लाह आपके सारे ख्वाब पूरे करे और आप लोगों को माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे मकाम तक लेके जाए, जो आप लोगों की ख्वाहिश है वो पूरी हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड पे मैं कहना चाहूंगा कि आपको पता ना इंटरनेट पे there's a saying on the internet. इंटरनेट पे एक मीम की दुनिया के अंदर एक लोग कहते हैं कि You're truly famous when you get to Nida Yasir's show. They say that. Fact. अच्छा ये आप वायरल हो गए तब आप Nida Yasir के शो पे जाओगे, तो I think that I might have made it. compliment है, क्या है ये दोनों है. ये compliment भी है, मजाक भी है. तो I'd say कि I have made it to your show and I made it in life because according to the internet, if I'm sitting here, then that means I've made it. कुछ कर लिया. क्या बात है भाई, क्या बात है. सो ये एंड में जो है ये दोनों चीजों कर गए. तो ये था हमारा आज का शो. उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा. इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा. कल मुलाकात होगी. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़.